इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गए, राज्य गया, भाई लोग गए, फिर भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा और 1 साल तक अज्ञातवास में विराट राज्य में हमें दासत्व करना पड़ा। तात्पर्य यह है जो व्यक्ति जुआ खेलेंगे इतना सत्यानाश हो सकती है, इसलिए कभी भी किसी को जुआ खेलने में प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। जुआ खेलने से धर्म का जो पहला चरण है सत्य, जो लोग जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो झूठ गोबर झूठ बोलते रहेंगे, हैं झूठ गोबर में झूठ बोलते रहेंगे। धर्म का पहला चरण सत्य समाप्त। दूसरा नंबर है पानम। पानम मतलब होता है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु को मत लिया करो, पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। कहते धर्म का दूसरा चरण है तपस्या। जो व्यक्ति ये नस्ली वस्तुओं को ग्रहण करते हैं वो कभी तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या कौन करेगा, भजन कौन करेगा, जिसका बुद्धि सही हो वही तो भक्ति कर सकता है ना। लेकिन नस्ली वस्तु जो व्यक्ति लेते हैं उनकी बुद्धि कभी सही रह नहीं सकती है, इसलिए धर्म का दूसरा चरण तपस्या समाप्त है। तीसरा नंबर है स्त्रियम। कहते ये स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में, बोले जो अवैध रूप में जो पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुषों से मिलते हैं यहां पर कली का निवास है। संसार करो शादी सुधा करके, धर्म पूर्वक अपना पति पत्नी मिलकर के संसार करो। बगैर शादी में जो मिलना, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते, शास्त्र ये चीज को एकदम स्वीकार नहीं किया है, ये बहुत बड़ा पाप बन गया उसको है। इसलिए धर्म का तीसरा चरण पवित्रता। कहते वो कभी पवित्र नहीं रह सकते, वो अपवित्र रहना पड़ता उनको। चौथा नंबर है जीव हिंसा। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज और लहसुन, ये सब चीजों को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। धर्म का जो चौथा चरण है दया। अगर किसकी हृदय में दया होगी वो कभी भी दूसरे जानवर को काट कर खा नहीं सकता। और ये 4 तरह का पापों में सबसे जो बड़ा पाप बताया ये जीव हिंसा है। ये मांस मछलियों को खाना, अंडा खाना, इससे बड़ा पाप बता दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए इसका नाम है मांस, ये के संस्कृत शब्द है। मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में तुमको फिर जो खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं मीट। मीट मतलब क्या, मी ईट बा ईट मी, अभी तू जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा। इसलिए कोई भी भाषा में देख लो उसका एक ही अर्थ होता है, अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में दोबारा हमें जो खाएगा। जब उन्होंने कलियुग को ये 4 जगह स्थान दे दिया तब भी ये कली खुश नहीं। बोले क्यों, बोले कौन कहाँ जुआ खेल रहा है, कौन शराब पी रहा है, कौन अवैध स्त्री संग कर रहा है, भैया मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो जहाँ पर सब कुछ मिल जाए, ऐसे एक स्थान दे दो। तब उन्होंने सुवर्ण में स्थान दिया, ये पैसा में स्थान दिया। कहते सबसे ज्यादा ये पाप कर्म कहाँ होता है आप देख लेना, बताओ ये बेसिया घर में कौन जाएगा, जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा। ये मांस मछली कौन खाएगा, 400-500-600 रुपया दे करके, जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा। ये जुआ कौन खेलेगा, जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा है। इसलिए ये कली का सबसे ज्यादा जो स्थान ये पैसा है, जहां पर ज्यादा पैसा आप देखना जितने अनर्थ जितने पाप कर्म सब वहीं पर देखोगे। हाँ इसका मतलब है ये पैसा को बताया लक्ष्मी। पैसा कौन है, जोर से बोलो लक्ष्मी। लेकिन ये लक्ष्मी ये तो मूल लक्ष्मी राधा रानी,
पर ये लक्ष्मी में फिर ये कली का निवास कैसे हो सकती है? तो उसको उदाहरण देकर समझाए, जब लक्ष्मी घर में आती है ना, लक्ष्मी का वाहन कौन है? जोर से बोलो, अरे उल्लू, गरुड़ नहीं, उल्लू। इसलिए देखना गरुड़, ये लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ रहती है, इसलिए घर में जब ये लक्ष्मी आती है ना, वो उल्लू के ऊपर सवार होकर के आती है और हमें उल्लू बनाती है, ये हमें मूर्ख बनाती है। लेकिन इसका और एक वाहन है, गरुड़ है। लेकिन ये गरुड़ के ऊपर में माँ लक्ष्मी कभी अकेली नहीं बैठती, और नारायण को साथ में बैठती। मतलब क्या है? लक्ष्मी को बुलाओ, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। लक्ष्मी रहेगा तभी तो ठाकुर का सेवा करोगे, तभी तो खाओगे पियोगे जो कुछ करके, लक्ष्मी के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, लक्ष्मी को बुलाओ। बोले क्यों बुलाओ? जब अपना भोग के लिए बुलाओगे, लक्ष्मी का हम भोग करेंगे, फिर तो वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आएगी, हमें उल्लू बनाएगी। लेकिन लक्ष्मी को जब हम कृष्ण सेवा के लिए बुलाएंगे, ठाकुर जी लक्ष्मी तुम्हारी बगैर ठाकुर को तो सेवा भी तो नहीं हो पाएगी, इसलिए आप पधारो। फिर लक्ष्मी वो उल्लू को ऊपर बैठ करके नहीं, फिर लक्ष्मी गरुड़ को ऊपर बैठ करके आएगी। ये गरुड़ कहाँ रहता है? बोले बैकुंठ में। फिर वो लक्ष्मी हमारी घर को क्या बना देगी? ये बैकुंठपुरी बना देगी, भगवान की ये धाम बना देगी। इसलिए लक्ष्मी को खूब बुलाओ, लेकिन ठाकुर को सेवा के लिए। और ये चीज को याद रखो, लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी तो नारायण की। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। ये चीज याद रखो, जब ये नारायण की सेवा में लगेगी, फिर तो ये संसार में सुख शांति लक्ष्मी देगी। अगर ये ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगी ना, लक्ष्मी से अगर उल्टा पुल्टा चीज खरीदी करोगे, पैसा लक्ष्मी है, अगर पैसा दे करके शराब पियोगे, लक्ष्मी को दे करके फिर तुम मांस खरीदी करोगे, लक्ष्मी को दे कर तुम शराब खरीदी करोगे, फिर लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? देखो, एक बुरा मत मानो, ये हमारे गुरु जी कहते थे, एक व्यक्ति को रोड में भिखारी होकर क्यों बैठा है? एक व्यक्ति रोड में भिखारी बनकर क्यों बैठा है? वो एक पैसा के लिए बिलबिलाता है, बाबू एक पैसा दे दो, बाबू एक पैसा दे दो, बाबू एक रुपया दे दो। इसको ऊपर में लक्ष्मी की कृपा क्यों नहीं हो रही है? कारण है, लक्ष्मी इसको ऊपर में नाराज है, तभी तो लक्ष्मी नहीं आती है। कहते लक्ष्मी नाराज है, इसको ऊपर में क्यों हो गई? हमारे गुरु जी कहते थे, ये व्यक्ति पूर्व जन्म में करोड़पति था। कौन था? ये करोड़पति था, लेकिन लक्ष्मी तो इसको पास में आई, लेकिन लक्ष्मी को उन्होंने गंदा काम में लगाया, शराब पिया, मांस खाया, जुआ खेला। अगर लक्ष्मी को गंदे काम में लगाओगे, फिर लक्ष्मी थोड़ी खुश होती है, नाराज हो जाती है। बोले इसी जीवन में मैं आ गया तेरे घर में, अगली जीवन में तेरे घर में मैं नहीं आऊंगी, फिर तो रोड में बैठा कर रख दूंगी, वहीं पर बैठी रहना। क्यों? अभी तुमने मेरे को गंदे काम पर लगा रहे हो। इसलिए भैया, अगर चाहते हो घर में माँ लक्ष्मी आए, घर में लक्ष्मी की बौछार हो, लक्ष्मी की कृपा हो, कभी भी लक्ष्मी को गलत काम में कभी भी मत लगाया करो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी श्री सुत गोस्वामी ये सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। बोले जिस समय भगवान चाहते हैं ये दुनिया की सृष्टि हो, सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, लेकिन उन्होंने देखा चारों तरफ में पानी ही पानी है। कमल नाड़ों में हजार साल तक उन्होंने अनुसंधान की, लेकिन कोई था नहीं पाए। फिर ऊपर आए, व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर सुने, त और प। भगवान ने कहा तपस्या करो। बोले तपस्या करो, इसलिए उन्होंने तपस्या जब की। बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समनितम सह रहस्यंच तदगंच गृहाणम गदितम मया। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ये सृष्टि का क्रम को तुम धीरे धीरे सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम
अपना मन से चतुसन को सृष्टि किया मानस पुत्र रूप में। बोले देखो बच्चों, ठाकुर को इच्छा ही संसार का सृष्टि बढ़ाओ। बोले पिताजी, हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, ये घर गृहस्थ बड़ा जंजाल है। बोले भगवान का आदेश है, संसार का क्रम बड़ा हो, सृष्टि का पहला तुम हो, तुम मना कर रहे हो, पर संसार का सृष्टि कैसे बढ़ेगा? बोले घर गृहस्थी नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले मैं भी अभिशाप देता हूँ, जैसे तुम जन्म हुए ना 5 साल उम्र में, ऐसे ही जिंदगी भर इसी उम्र में रहोगे। बोले पिताजी, ये थोड़ी अभिशाप, ये तो वरदान है। संसार का सारे बोझ किसको ऊपर में? बड़ों को ऊपर में। बच्चे तो मस्ती से खेलते रहते, कूदते रहते ही। बोले पिताजी, ये तो आशीर्वाद है। फिर उनको क्रोध आया तो ललाट से श्री रुद्र प्रकट हुए। शंकर जी को भी आदेश दिया। शंकर जी जोगी जोगी महाजोगी सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी। शंकर हर्ष में प्रभु का भक्ति में मस्त रहते हैं शंकर जी। अभी इनकी भी इच्छा नहीं है घर गृहस्थ की। शंकर जी ने सोचा, अगर मैं मना कर दूं ना, जैसे बड़े भाइयों के ऊपर बिगड़ गए, मेरे ऊपर वो बिगड़ नहीं जाए। बोले ऐसे सृष्टि करो जैसे पिता अपने आप मना कर दे। शंकर तो भूत विशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने बोले, ये कोई सृष्टि कर रहे हो ना, संहार कर रहे हो, चुप, बंद करो ये सृष्टि को। शंकर जी बोले, मैं तो यही चाहता था। फिर उन्होंने अपना परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर 10 बेटे सृष्टि की। उसको बाद में उन्होंने अपना शरीर से मन और सतरूपा को सृष्टि की। यहीं से धीरे धीरे ये सृष्टि की प्रारंभ हुई। इसलिए हम लोग मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको कहते हैं मानव। हमें क्या कहते हैं? मानव। मानव क्यों कहते हैं? ये मनु महाराज, तुम्हारी कोई भी चेहरा मिलेगा बंदर को साथ में? हमारी कोई भी चेहरा नहीं मिलेगा। क्यों? हम कोई बंदर से नहीं हुए हैं, हम सबके सब ठाकुर जी से हुए हैं। इसलिए कहते हैं ना, तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधो सखा तुमैव, तुमैव विद्यांग द्रविण तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। कहते भगवान ही हमारे पिता माता, कृष्ण गीता में यही कह रहे हैं, हे अर्जुन, जगत का पिता माता मैं हूं। अब देखो भगवान कृष्ण को देखो, भगवान राम को देखो, उनका 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ है। भगवान का नाक जैसे हमारी नाक वैसे, ठाकुर का 2 पैर हमारे भी 2 पैर, ठाकुर का आंख जैसे तुम्हारी आंख जैसे हैं, ठाकुर जी की पैर जैसे तुम्हारी पैर जैसे। बंदर को साथ में मिलोगे? बताओ, बंदर का कौन सा अंग तुम्हारे साथ में मिलेगा? इसलिए हम कोई भी बंदर नहीं थे, हम सबके सब श्री ठाकुर जी से आए हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है, अमृतस्य पुत्रा, हम सबके सब अमृत के, भगवान की हम सबके सब संतान हैं, ठाकुर के हम सबके सब औलाद हैं। इसलिए देखना, हम लोगों का सभी का एक अलग अलग गोत्र है। क्या गोत्र तुम्हारी? बोलो जोर से, क्या हंस रहे हो? बोलो गोत्र कौन सा है? तुम्हारी गोत्र क्या है? तुम्हारी गोत्र क्या है? देखना यहाँ पर सबका गोत्र अलग है, किसका वशिष्ठ, किसका पराशर, किसी का, ऐसे अलग अलग सबका गोत्र। ये गोत्र कहाँ से आई है? हम जिस ऋषि का परंपरा में आए, हमारी वही गोत्र हो गई है। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर आता है माता देहूति की कथा है। जिस समय कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की, भगवान संतुष्ट होकर के दर्शन दिए। बोले बेटा, तू क्या चाहते हो? बोले ठाकुर जी, आपकी चरण में हमें भक्ति दो। बोले तथास्तु। बोले और कुछ मांगो? बोले ठाकुर जी, आपकी इच्छा है ये संसार बढ़नी चाहिए। बोले हाँ। बोले आपकी इच्छा को मैं तो पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ये 2 शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है? बोले पहला शर्त है, तब तक ये घर गृहस्थ में रहूंगा जब तक मेरी कोई संतान नहीं हो जाए। बोले ठीक है। बोले दूसरी शर्त क्या है? कहते प्रभु जी, अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे तो फिर मैं शादी करूंगा। बोले कोई बात नहीं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिए, फिर माता देहूति को साथ में ये कर्दम ऋषि की शादी हो जाती है। शादी होने पर जिस समय श्री माता देहूति को मनु महाराज जी
करदम ऋषि को साथ में साधि करवाते हैं। देखो जितने माताएं ध्यान देकर सुना, अच्छे तरह से सुना, कहते देख बेटी तेरे हाथ में ये दो वंश है, दो कुल है। अगर बेटी अगर ससुर घर में जाती है, अगर बहुत अच्छे तरह से सास ससुर की सेवा करे, ननंद जेठ को उपयुक्त सम्मान सबको दे, फिर परिवार में क्या होता है, क्या बोलते हैं सास ससुर घर वाले, अरे वाह पिता माता ने बहुत अच्छी संस्कारी बच्ची को दिया, हमारे घर में बहू नहीं आई, हमारे घर में बेटी आई। हमारे घर में कौन आई है? बेटी। अगर कोई उल्टा पुल्टा करती है ना, फिर ससुर वाले क्या बोलते हैं, बोले तेरे पिता माता ने यही सिखा दिया, तुमने यही सीख करके आई। पहले अंगुल कहाँ पर उठती है? उसकी पीहर में। इसलिए मनु महाराज, इस माता ने ध्यान देकर सुना, इसलिए मनु महाराज बेटी को शिक्षा दे करके भेजती है। क्या शिक्षा देकर भेजती है? देख बेटी, कोई भी अभी जिस घर में जा रही हो वो तुम्हारी घर है, वो तुम्हारी घर है। अभी ये घर तुम्हारी नहीं, अपना ससुर घर के ही अपना घर समझना, वहां की कोई भी चुगली यहाँ नहीं करना। लेकिन अभी क्या होता है पता है, जब बेटी को शादी करते है ना, मोबाइल दे देते हैं। अगर थोड़ी सी रोटी भी थोड़ी जल गई, अगर कुछ बोल दिया, पहले झट फोन कर देती है, हमको सास ससुर से ऐसे बताए, हमारा पति ने ऐसे बताया, बस फिर तो लड़ाई झगड़ा, फिर तू तू मैं होते होते डाइवोर्स का नौबत आ जाती। लेकिन पहले ही सो मोबाइल कुछ नहीं था, और जिस घर में जाती थी वो घर को अपना घर समझ करके सहन शक्ति लेकर के जाती थी, और जीवन भर घर को बैठा लेती थी। इसलिए यहाँ पर मनु महाराज उनको लिखा पढ़ा करके सिखाती, बेटी खूब पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, और घर को ऐसे बना देना लगे जैसे घर ही तुम्हारी वृंदावन बन जाए। जब श्री शादी हो गई, शादी को बाद में फिर श्री करदम ऋषि भजन में बैठ गए। अभी पति भोजन नहीं कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पत्नी भी भोजन नहीं की, बड़ी पतिव्रता धर्मों को पालन करते हुए उन्होंने अपना पति की सेवा की। अभी 10,000 साल उन्होंने तपस्या की। जब करदम ऋषि के आंख खोली, उन्होंने भूल गए मैंने भी कभी शादी की थी। सामने देखा है कि डोकरी बैठी हुई, बोले भैया ये डोकरी बुढ़िया कौन है? बोले भैया तू है कौन? माता देहूती बोली आपने कभी शादी किया था? बोले ओ तू वही देहूती। कहते वो इतनी सुंदरी थी, जब आंगन में खेलती थी, आकुति देहूती प्रसूति, जब ये तीनों बहन खेलती थी, इतने सुंदर थी जिनकी सुंदरता को देख करके देवता लोग भी मुग्ध हो जाते थे, इतने सुंदर थी। लेकिन वो पति सेवा करते 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 एकदम बूढ़ी हो गई। देखो जो व्यक्ति पति को सेवा करता है, अपना पति व्रता धर्म को साथ में, देखो कितने शक्ति उसकी अंदर में, कितने शक्ति उसकी अंदर में। देखा उसकी जटाजुटू हो गई, उसकी चेहरा उतर गई है। जटाजुटू क्यों हो गई? बोले पति पत्नी क्यों श्रृंगार करती है? बताओ क्यों पत्नी श्रृंगार करती है? पति के लिए श्रृंगार करती है। हमने देखा हमारे माताएं कभी सवेरे मैंने कभी मैंने देखा अपना मैया को कभी श्रृंगार करते हुए नहीं देखा। कब श्रृंगार करती है? शाम को। बोले क्यों? बोले पति तो काम में जाता है, अपना श्रृंगार करके किसको दिखाएगी? इसलिए वो शाम को हम देखते थे श्रृंगार, गांव में देखते थे शाम को। क्यों? पति शाम को काम करके आएगा, पति के लिए तो पत्नियां श्रृंगार करती है ना। इसलिए नियम है, देखो शादी से पहले लड़कियों को ज्यादा श्रृंगार की जरूरत नहीं, मना की है, ज्यादा श्रृंगार की जरूरत नहीं, नहीं तो रावण उठाकर ले जाएगा। कौन उठाकर ले जाएगा? रावण उठाकर ले जाएगा। इसलिए बोले रावण तो त्रेतया युग में था, बोले त्रेतया युग में तो एक रावण, अभी घर घर में रावण हो गए। पहले गुंडे होते तो पूरा गांव में एक गुंडे, अभी घर घर में गुंडे हो गए सबके सब हैं। इसलिए घर घर में गुंडे हो गए। इसलिए बताया भैया शादी से पहले ज्यादा श्रृंगार की जरूरत नहीं, थोड़ी सी श्रृंगार करो, और शादी को बाद में पूरा भर करके श्रृंगार करो। क्यों? अभी शादी हो गई है, अभी तो पति घर में है, इसलिए पति के लिए ही पत्नी की ये श्रृंगार करती है। इसलिए माता देहूती करदम ऋषि बोले बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले आपने शादी क्यों किया था? बोले ना अगर भगवान बेटे बनकर के आएंगे तभी हम शादी करेंगे,
बोले तो भगवान बेटे बनकर के आए नहीं, बोले जाओ तुम ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करके जब उठी, पहले जितने सुंदरी थी उससे भी ज्यादा सुंदरी, हजार दास दासियां। फिर उन्होंने एक विमान सृष्टि की जिसका नाम था कामक विमान। कामक विमान मतलब क्या है, बगैर पेट्रोल और डीजल से अपने आप चलेगा, जिसमें सुंदर राज महल बनी हुई, जिसमें बड़े सुंदर सरोवर है, राज हंस खेलते हैं, चार तरह का नील पीले लाल रंग के कमल फूल खिले हुए, सुंदर सुंदर फल फूल से भरा हुआ, जिसमें एक साथ में छह ऋतु बह रही हैं, और जिसमें बैठोगे ना कोई बूढ़ा भी नहीं होगा, कोई बूढ़ी भी नहीं होगा। ऐसे विमान उन्होंने बनाए और वो विमान में बैठ करके पूरा आकाश में विहार करते रहे। उनकी बड़ी प्यारी प्यारी सुंदरी सुंदरी नौ कन्या हुई। बोले देवती अभी तो खुश हो गई, बोले नहीं, बोले क्यों, ना ना बेटी हो गई, बोले बेटियां तो शादी करके अपना ससुर घर चली जाएगी, अभी मेरे पास में कौन रहेगा। और बोले थे ना ठाकुर अगर हमारी बेटे बन करके आएंगे तब हम शादी करेंगे, अभी ठाकुर तो बेटे बन करके आए ही नहीं। तो उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म को साथ में पत्नी को, जब पति को सेवा की, ठाकुर स्वयं श्री कपिल भगवान बन करके आते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की जय। कोई जयकार, आज एकादशी व्रत रखे इसलिए मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। बोले कपिल भगवान की जय। अभी भगवान जब कपिल रूप में आए, अभी श्री कर्दम ऋषि, अभी उन्होंने संन्यास लेकर के जाने के लिए तैयारी हुए थे, लेकिन अभी घर में नौ नौ बेटी हो गई। अगर घर में बेटियां होना पिता माता का सबसे पहला कर्तव्य है, अपना बेटियों को पहले शादी कराए, ये पहला कर्तव्य है। आप लोगों ने कोई बेटियों को शादी करवाया है? कौन कौन बेटियों की शादी करवाया, हाथ उठाओ। तो देखना घर में जब एक बेटी शादी कराओ ना, आप देखना घर खाली हो जाता है, खाली हो जाता कि नहीं। एक बेटी की शादी में सब पैसा लग जाती है। और इनकी घर में कितने बेटियां हैं? नौ बेटियां हैं। अभी नौ बेटियों का शादी करना कोई साधारण बात है? यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर तुम्हारी मन में भक्ति करने की इच्छा हो, प्रभु की भजन करने की इच्छा हो ना, कितना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। एक समय पितामह ब्रह्मा जी, उन्होंने नौ बेटों को लेकर के कर्दम ऋषि के पास में आए। अभी बेटियां भी बड़ी एक से एक सुंदरी, और ब्रह्मा का जो उनका नौ बेटे बड़े सुंदर देखने में, दोनों ही शादी के लायक है। बोले भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी जल्दी कर दो। उन्होंने नौ बेटियों को एक साथ में नौ बेटों से शादी करवा दिया और पूरा घर के घर पूरा खाली, घर पूरा खाली हो गई। अभी घर में केवल तीन व्यक्ति रह गए। अभी कर्दम ऋषि अभी भजन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, यहाँ शिक्षा देते हैं, भैया घर में तो भगवान तुम्हारी घर में ही है, भगवान स्वयं कपिल मुनि बन करके आए, फिर तुम भजन करने के लिए किसको जा रहे हो। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, भक्ति हृदय में नहीं आएगा, तो भगवान दर्शन देने पर भी हमारी कोई लाभ नहीं है। जैसे रावण ने राम को तो देखा, लेकिन उसके अंदर में कोई भक्ति भावना आई, वो मैया सीता को ही उठा करके ले गया। मेघनाद ने राम लक्ष्मण को तो देखा, लक्ष्मण के ऊपर में शक्ति शैल प्रहार की, और राम लक्ष्मण को तो उन्होंने एकदम नागफास बंधन में उन्होंने बांध डाले उनको। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर भगवान की भक्ति हृदय में नहीं हो, अगर ठाकुर जी दर्शन भी दे देना, फिर हमारी कोई लाभ होने वाले नहीं। इसलिए हृदय में भगवान की भक्ति हृदय में आनी चाहिए। लेकिन भक्ति कब आएगी? माता जी बात मत करो, क्यों बात कर दो, रख लो यहाँ पर, माता जी यहाँ रख लो यहाँ पर। इसलिए अगर हृदय में भक्ति नहीं आएगी, अगर भगवान की दर्शन भी हो जाए ना, तुम्हारी कोई लाभ होने वाला नहीं। लेकिन ये भक्ति कब होएगी? जब भगवान की भक्ति करोगे तो होएगी। इसलिए घर में ठाकुर रहते हुए भी वो प्रभु की भजन करने के लिए चले गए। अभी घर में माँ और बेटे, केवल दो व्यक्ति रह गए। लेकिन माँ को पता, मेरा जो बेटा है ना, ये भगवान है। एक दिन माँ स्वयं अपना बेटे को पास में आती है, बोले बेटा
तू तो भगवान हो, इसलिए मैं स्त्री जाती हूँ। मेरा मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकती रहती है, तो मेरे को कुछ ज्ञान की बात बताओ। यहाँ पर भगवान स्वयं अपना माँ को उद्देश्य करते हुए, उनको माँ साधारण है नहीं, भगवान का माँ साधारण थोड़ी हो सकती है, लेकिन वो दुनिया को शिक्षा देने के लिए माँ ने प्रश्न की। फिर भगवान ने मैया को बड़ी प्यारी प्यारी उपदेश देती है, आप लोग भी ध्यान देकर सुनो। बोले माँ, ये जो मन है यही मन ही बंध मुक्सेव, यही मन मुक्ति का कारण है और यही मन बंधन का कारण है। माँ, जैसे हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, लेकिन इनका राजा कौन? बोले मन। मन ने कहा देखो भागवत कथा हो रही है, चलो कथा सुन करके आएंगे, सब इंद्रिया आकर बैठ गया। अगर मन बोलता अरे क्या जरूरत है, टीवी खोल कर बैठ जाओ ना, आज बड़े सुंदर सीरियल आने वाले हैं, घर में टीवी खोल कर बैठ जाओ, फिर सारे इंद्रियां क्या करती, वही टीवी के सामने बैठ जाती। इसलिए यहाँ पर जो मन ही सब कुछ, मेन ये मन है, इसलिए बोले माँ यही मन को जब हम भगवान की भक्ति में लगा दे, ये मुक्ति का कारण बनेगी, लेकिन ये मन को जब विषय में लगा दोगे फिर ये एकदम बंधन का कारण बन जाएगी। इसलिए ये माँ ये मन को तो ठाकुर जी की शरण में लगा दो। बोले बेटा तुमने तो बोल दिया ये मन को ठाकुर जी की चरण में लगाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरे भजन करो हैं? ये मन तो बड़ा चंचल है, बताओ इसके लिए क्या करो। बोले माँ अगर ये चंचल मन को तुम एकाग्र करना चाहते हो, एक उपाय है, बोले संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए माँ ये चंचल मन को अगर तुम बसीभूत करना चाहते हो तो मेरे भक्तों का संग करो, केवल भक्त संग से ही कल्याण होगा। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो। बोले एक समय एक बहेलिया ने एक घोंसले से उन्हें 2 तोते को पकड़े। एक तोता तो किसी तरह से किसी डाकू को पास में चला गया और एक तोता चला गया संतों के पास। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, जब उसको प्यास लगी पानी ढूंढ रहा था, पानी ढूंढते ढूंढते जब एक घर में पहुंचा, देखा उसको घर को सामने एक पिंजरा में एक तोता है। जब वहां पर पहुंचा तोता तो गाली देने लग गया, बोले पकड़ो पकड़ो मारो मारो छीनो छीनो, उसको गाली देने लग गया। इतने में राजा ने देखा भैया घर की तोता अगर इतने उल्टा पुल्टा गाली गलौज कर रहा है, इसका मालिक कैसे होगा, वहां से भगा उसने। थोड़ी दूर गया तो देखा और एक घर को सामने पिंजरा में एक तोता है, वो पहुंचते ही बोले राम राम राधे राधे हरे कृष्णा, आपकी स्वागत हो, आइए बैठिए मीठा पानी पीजिए। बोले भैया एक तोता इतना मीठा बोली बोलता है, जब वहां पर घर में गया ना, देखा सचमुच से एक संत निकल करके आए, बड़े मीठा पानी पिलाए, बड़ी सुंदर सत्संग सुनाए। तो उन्होंने देखा भैया ये तो 2 तोते हैं, ये 2 तोते को स्वभाव कैसे ऐसे हो गया। तोते ने कहा भैया इसमें हमारी कोई दोष नहीं, ये हमारी संगत की दोष है, ये हमारी संगत की दोष है, ये सत्संग से इसका बोली मीठा हो गई और उसकी दुष्ट संग से उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। इसलिए आप देखना जैसे संगत में बैठोगे ना, ठीक एक शराबी के साथ में बैठो कुछ दिन बाद में क्या बन जाओगी, क्या बनोगे, शराबी बन जाओगी। पहले तो वो बिना पैसा में खिलाए पिलाएगी, बोले पी ले, बोले नहीं हमारे घर में कोई पीता नहीं, बोले रोज थोड़ी पीते हो, शादी का माहौल एक बार पी तले। अब देखना हमारे जो विशेष करके हमारे जो भारतीय लोग है ना, उनको अगर बिना पैसा में जहर भी दोगे ना वो तभी पी लेगा, बिना पैसा में इनको जहर भी दोगे ये पीने के लिए तैयारी है। जितने नशे करने वाले व्यक्ति पैसे बिना पैसा में जो सिगरेट फूंकता है, देखना बिना पैसे में पहले फूकता है, दोस्त तो बोलता है अरे एक छोटा ले लेना एक बार, क्या होता है एक ले ले, वो भी बिना पैसा की, वो भी बिना पैसा की होता है, हैं? ये शराब भी बिना पैसा की है, ये गंजा भी बिना पैसा की है, जितने जितना बुरी संगत है पहले ये बिना पैसा की ये जहर भी देना तभी ये पी लेते हैं।
इसलिए ये सब के सब बुरे संगत में ही सारे बुद्धि बिगड़ती हैं। अगर संतों का सत में बैठो, उनको साथ में रहो, क्या होगा? सवेरे उठेंगे, प्रभु का नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, आप देखना उनको साथ में रहते रहते आप संत बन जाओगे, संत बन जाओगे। इसलिए भगवान कहते माँ मैन है संग है। इसलिए जीवन में बताए ऐसे एक संगत को ढूंढो, ऐसे एक तुम्हारी दोस्त हो जो बढ़िया दोस्त हो, ऐसे नहीं जिसको तिसको पास में बैठ करके उसको दोस्त बना दो, नहीं। दोस्त बनाने से पहले सोच करके देखो तुम किसको साथ में बैठ रहे हो, क्योंकि धीरे 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 उसका रंग चढ़ने लग जाएगी तुम्हारी ऊपर में। इसलिए ऐसे दोस्त बनाओ जो भगवान की भक्ति करने वाले हो, सदमार्ग में चलने वाले हो, अच्छे उपदेश देने वाले हो। इसलिए जीवन में एक अच्छे दोस्त के जीवन में जरूरत है। इसलिए मां ने जब बताए, बोले देख बेटा तुम भक्तों की संग करो। इतने में फिर मैया फिर प्रश्न करती हैं, बोले माँ तुमने बता दिया संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। बोले हाँ। बोले संतों को पहचानना भी तो बड़ा कठिन है। फिर संतों को हम पहचानेंगे कैसे, उनका कुछ लक्षण बताओ। फिर भगवान ने संतों का लक्षण बताए, बोले तिथि सबकारुणिक श्रोही दस सर्वदेहि नाम अजात सत्रव शांता साधु भी साधु भूषण। बोले माँ जो संतो होते हैं ना, हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, भगवान खुद कहते हैं संतों का पहला गुण क्या है। बोले संतों का पहला गुण है तितिक्षव। तितिक्षव मतलब होता है सहन करना। देखो एक चीज को समझो, आप लोग ये मत समझो जो केवल ये कपड़ा ये गौरी के लाल कपड़े पहन लिए वही साधु, नहीं। भगवान की भक्ति में अगर घर में रह करके अगर भक्ति कर रहे हो आप साधु हो। अब इसलिए भागवत में अब पढ़ो ध्रुव प्रहलाद भरत महाराज अम्बरीश, ये कोई संत थोड़ी थे, घर में रहते थे, ये सबके सब घर में ही रहते थे। नरसी भक्त नामदेव, अब जितने भक्तों का कथा सुनोगे ना बहुत कम देखोगे जो त्यागी संत रूप में है। चैतन्य महाप्रभु को अक्सर करके 99% वो सबके सब घर में रहते थे। कहाँ रहते थे? घर में रहते थे। ये मत समझो ये संतों का लक्षण मतलब है जो ये गौरी की वस्त्र पहन लिया उन्हीं के लिए, नहीं, उन्हीं के लिए नहीं है। इसलिए जहां भी रहो, बोले गृहे बा बने ते थाको सदा हरि बोली डाको। भले ही घर में रहो, भले ही जंगल में रहो, कहीं भी रहो, क्या करो? भगवान की भक्ति करते रहो, भजन करते रहो। ध्यान देकर सुनो, पहला जो संतों का लक्षण है, मतलब कहीं भी तुम रहो पहला गुण होनी चाहिए सहन करना। इसलिए कहते जो सहे सो रहे, और जो ना सहे वो नाश हो जाए। जो सहन नहीं कर सकता है वो पूरा के पूरा नाश हो जाता है। देखो ध्यान देकर सुनो, इधर माताएं मैं देखता हूं, अगर कोई एक माता जी कोई बढ़िया साड़ी पहन कर आ जाए ना, सबके सब वो साड़ी में देखने लग जाते हैं। कैसे साड़ी, जैसे जीवन में साड़ी कोई देखे ही नहीं। ये तो जो बढ़िया साड़ी पहन करके आते हो भैया चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो सब आपको देखते हैं। इसलिए जहां जगह मिले वहीं पर बैठ जाओ चुपचाप वहीं पर। इसलिए देखो अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो, ये जो सहन शक्ति कितने बड़ी चीज ये सहन शक्ति है। आप देखना कल हम लोग सुन रहे थे ये महाभारत क्यों हुई है, ये रामायण क्यों हुई, केवल ये द्रौपदी की थोड़ी सी जीवा चलाने पर, और मैया सीता जी ने थोड़ा जीवा चला दी तब ये रामायण और ये महाभारत मच गया है, रामायण महाभारत हो गया। इसलिए कभी कभी हमारी घर में भी ये रामायण महाभारत कभी कभी हमारी घर में भी हो जाती है। बोले कैसे हो जाती है? आप देखना अक्सर करके घर में जो लड़ाई झगड़ा है ना, जैसे घर में एक नई बहू आई, जब नई बहू घर में आई हैं, तब अगर जीवा चलाएगी तो फिर क्या होगा? अगर सास ससुर ने कुछ बोल दिया, अगर बहू अगर उल्टा अगर जवाब दे दिया फिर क्या होगा? वो घर में अशांत दुख कष्ट, फिर संसार संसार में दुख कष्ट फैल जाएगी फिर। इसलिए यहाँ से क्या देते हैं, पहले सहन शक्ति सीखो और जीवा को चलाना थोड़ा कम करो। अगर घर में शांति सुख चाहते हो ये जीवा को थोड़ी सी कम चलाए करो,
जिस घर में ज्यादा जिह्वा चलती है ना, उसी घर में ही ज्यादा रामायण महाभारत हो जाती है। अगर घर में शांति सुख चाहते हो भैया, ये जिह्वा को कम करो, जिह्वा को चलाना धीरे 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 कम करो, हैं, तब देखना घर में तुम्हारी पूरा राम राज्य अयोध्या बन जाएगी, तुम्हारी घर अवध बन जाएगी। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए बोले भगवान ने, बोले मैया पहले ये सहन शक्ति को धीरे 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 ये चीज को कोशिश करो सहन करने के लिए, फिर उसके बाद में कारुण की बड़े दयालु होते ही सुहृद सर्व दहिनाम सबू सभी को जो संत होते हैं कहते वसुधैव कुटुंबकम, हम एक ही ध्यान देकर सुनो, ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं। जैसे हनुमत लाल जी, इनका इष्ट कौन थे आप लोग बोलो? राम। आप बताओ मीरा की इष्ट कौन थे? कृष्ण। तुलसीदास का इष्ट कौन थे? राम। सबरी की इष्ट कौन थे? राम। गोपियों की इष्ट कौन थी? कृष्ण। आप देखना जिन जिन्होंने भक्ति की ना, वो एकनिष्ठ होकर के भक्ति की, बहुनिष्ठ में ज्यादा भक्ति नहीं होती है। लेकिन हमारी भक्ति कैसे, आप लोग बुरा मत समझो, जैसे सोमवार आएगा श्री भोले बाबा का मंदिर में जाएंगे, बम बम बन करके ठाकुर को सर के ऊपर में दूध चढ़ाएंगे, बोले भोले बाबा तन मन धन तेरे चरण में, तू मेरी लाज को बचा। लेकिन जब मंगलवार आएंगे ना, शंकर का तरफ में देखेंगे नहीं, सीधा हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, और जो शंकर जी को बोल रहा था ना तन मन धन तेरे चरण में तू मेरी लाज बचा, फिर वही बात फिर हनुमान जी को बोलेंगे। शंकर जी सोचते हैं ये तो बड़ा धूर्त है, ये तो कल मेरे पास में आकर के बोल रहा था तन मन धन तेरे चरण में, आज तक तो मेरे तरफ में झांका भी नहीं, वो सीधा हनुमान जी को वही बात कह रहा है। लेकिन जब बुधवार आता है ना, फिर शंकर जी का तरफ में कोई मतलब नहीं, फिर गणेश जी को पास में जाएंगे, बोले सूर वाले बाबा तन मन धन तेरे चरण में तू मेरी लाज बचाओ। फिर हनुमान सोचते हैं भैया ये क्या है, ये तो कल मेरे को यही बात बता रहा था, आज तो ये मेरे को तरफ में झांक करके भी नहीं देखा। देखो इसको भक्ति नहीं कहती, ये कपट है, ये कपट व्यक्ति है। अगर कोई स्त्री बोले अपना पति को, देख तेरे को सोमवार को मैं प्रेम करूंगी, मंगलवार को और किसको प्रेम करूंगी, और बुधवार को और किसको प्रेम करेगी, ये प्रेम है बताओ, ये प्रेम इसको कहते हैं? नहीं, ठाकुर जी यही चीज समझा रहे हैं। इसलिए जो भक्ति है, भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त होते हैं वो एकनिष्ठ भक्त होते हैं। जैसे मीरा कहती हैं मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक साधे सब साधे और जो सब साधे सब जाए, ये गोस्वामी तुलसीदास की वाणी है। इसलिए इष्ट है, और ऐसे एक व्यक्ति को इष्ट बनाओ जो एक को उपासना करने से ये सभी की उपासना हो जाए। 33 जगत में तो 33 करोड़ देवता, दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा करोगे 30 दिन में 30 करोड़, फिर 3 करोड़ बाकी रह गया तुम्हारी। लेकिन ये बांके बिहारी, ये कन्हैया ऐसे के देवता है ना, कल मैंने बता रहा था ना ठाकुर जी अपना शरीर में विश्व ब्रह्मांड को दिखाए, अर्जुन देख मैं कौन हूं, ये अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, ये 33 करोड़ देवता सबके सब मेरे अंदर में, विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। इसलिए लास्ट में कृष्ण गीता में लास्ट में जाकर कह देते हैं अर्जुन मन मना भव, ये मन केवल मुझे दो और किसको मत दो, मद भक्त भव, भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बनो, पूजा करना तो माम जाजी तो मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु अगर प्रणाम करना तो मेरे को प्रणाम करोगे। अर्जुन ने पूछा अगर सब कुछ तेरा किया तो होगा क्या, बोले माम एससी तू मेरे को लास्ट में तू मेरे को प्राप्त करोगे। बोले भैया तेरे को पाने से क्या होगा, देखो ध्यान देकर सुनो,
कहते तेरे को पाने से क्या होगा। कृष्ण कहते हे अर्जुन, अगर तू पुण्य कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी तू चले जाओगे, लेकिन जब तुम्हारी पुण्य खत्म होगा ना, वो ब्रह्मलोक से फिर गिरोगे, फिर इसी मरते जगत में फिर दुख कष्ट पाओगे। लेकिन अगर तू कह लो मेरे पास में आओगे, जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने से जीव को दो बार जगत में जन्म मृत्यु नहीं होता है, वो मेरे धाम है। इसलिए बांके बिहारी को ही इष्ट बनाओ। अगर किसका, अगर राम से कहीं मंत्र मिला होगा, राम अगर कोई गुरु का शिष्य, अगर राम हो, राम को ही इष्ट बनाओ। अगर कृष्ण, अगर गुरु से अगर कृष्ण मंत्र मिला, कृष्ण को ही अपना गुरु बनाओ, है कृष्ण को ही अपना इष्ट मानो। लेकिन इस सबका सम्मान दो, किसको असन्मान नहीं करनी चाहिए, किसी को असन्मान मत करो, सबका सम्मान करो। लेकिन हृदय में है ना एक ठाकुर को बैठाओ, हैं? अगर बांके बिहारी को बैठा सकते हो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि सारे जो रस है वो सिर्फ बांके बिहारी कन्हैया को अंदर में, वो सोलह कला में परिपूर्ण श्री कृष्ण कन्हैया है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, प्रभु जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक मिनट प्रभु जी, प्रभु धोरीलाल प्रभु। इसलिए मैया ने, भगवान मैया को बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई। मैया भगवान की ज्ञान को सुन करके उसकी जीवन धन्य हो गया। फिर भगवान कहते बोले माँ, जब मातृगर्भ में बच्चे को 7 महीना हो जाए उसको ज्ञान आ जाती है, भगवान को पुकारता है, बोले प्रभु मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया जो कि माँ के पेट में आना पड़ा। भगवान कहते माँ, माँ माँ की पेट में आना और नरक में जाना बराबर है, क्योंकि मैया की पेट में टाटी पेशाब खून पीक है और उसमें कुछ है ही नहीं, और उसमें टांग ऊंचा और सर नीचा करके ये जीव को 7 महीना रहना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है जीव को। माताएं जब गर्मी गर्मी चाय पिए बच्चे को शरीर में लगता है, जब कोई मीठा खट्टा कोई नमकीन चीज मिर्च खाए वो बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। ठाकुर जी को बुलाता है, ठाकुर जी मैंने क्या कर्म किया, नरक में आ गया, ठाकुर जी मेरे को यहाँ से निकाल दो। ठाकुर जी कहते हैं बताओ, अभी निकाल दूंगा तो क्या करोगे। बोले मैं समझ गया हूँ, संसार में कोई किसका है ही नहीं, झूठा संसार है, ये सबके सब सुख का समय थे, दुख में तो कोई है ही नहीं। अगर एक बार हमें केवल ये मानव शरीर दे दो, ये नरक से निकाल दो ना। भगवान बोले क्या करोगे, बोले उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा। क्या करोगे, तेरे नाम जप करूंगा। बोले दुख में पड़ करके बोल रहे हो ना, जब जन्म दे दोगे सब कुछ भूल जाओगे। बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा। भगवान ने कहा अगर भूल जाओगे ना, बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले जब एक बाल पक जाए, आप लोग ध्यान देना, जब बाल पकता है ये यहीं से देखना कानों को पास में। बोले कान में पहला बेल दे दिया ठाकुर जी। बोले क्यों, क्या बोल कर गया था, हरिनाम करोगे भजन करोगे, कितने माला जप कर रहे हो और कितना टीवी को सामने बैठ करके देखते हो और कितना बहू बेटी चुगली करते हो इधर उधर की। इसलिए कान का पहले पहले बाल पक जाता है, कान में पहला बेल दे दिया, लेकिन उसका वार्निंग हम नहीं सुनते हैं। अगर एक बाल पक गया ना, हम उसको उखाड़ देते हैं। बोले इतना जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बना रहे, हमें कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग देता हूं। बोले क्या, बोले दूसरा बाल भी पकेगा तभी उखाड़ देते हैं, तीसरा बाल पकेगा उखाड़ देते हैं, अगर खिचड़ी बन गया ना फिर उसको कलर कर देते हैं, मेहंदी लगा दे कलर कर दिया। बोले हमारे कुछ भी नहीं हुआ अभी। भगवान कहते दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या करोगे, बोले आंखों में कमजोरी आ जाएगा, फिर बढ़िया चश्मा पहन करके हीरो बन कर घूमते हैं। भगवान कहते फिर तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले एक एक करके दांत तोड़ना शुरू करूंगा, लेकिन जब दांत टूट जाए ना फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर के 32 दांत लगाकर खिलखिलाकर हंसते हैं। बोले हमारे कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर चौथा वार्निंग दूंगा। बोले क्या करोगे, बोले 2 प्यार से 3 प्यार कर दूंगा, फिर डंडा पकड़ना शुरू करोगे, भगवान की एक एक कमर तोड़ दूंगा तुम्हारी। लेकिन उसकी तब भी वार्निंग हम सुनने के लिए तैयार नहीं। कहते अगर नहीं सुनोगे ना, पंचमा वार्निंग नहीं दूंगा, फिर तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ, जब राम नाम सत्य हो जाता है, आप देखना जब किसी व्यक्ति को
चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोगों देखे होंगे, उसका सर को तकिया को पास में, तकिया के ऊपर रख लेते हैं और हाथ प्यार को बांध देते हैं। जानते हो क्यों बांधते हो हाथ प्यार को? बोले भगवान तुम्हें ये मानव शरीर दिया था भजन करने के लिए, लेकिन तुमने भजन नहीं किया है। उसको अच्छे तरह से हाथ प्यार को बांधते हैं और चार व्यक्ति ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। मतलब वो व्यक्ति को कहते हैं, भैया जगत में राम का नाम कृष्ण का नाम ही सत्य है, सब जगत में झूठा है। इसलिए उसको अंतिम समय में कहते, भैया कम से कम अभी तो राम राम कृष्ण कृष्ण तू बोल दे, सारा जीवन तो बोला नहीं, अभी तो तू बोल। अब देखना उसका सर रहता हमें तकिया में, जब ले जाते हैं ना उसका सर देखना ऐसे ऐसे घूमता रहता है। बोले भैया अभी तो राम नाम, बोले बोले अभी भी नहीं बोलूंगा राम नाम, अभी भी कृष्ण नाम नहीं करूंगा, उसका सर ऐसे ऐसे हिलता रहता है। बोले अभी भी नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले चल तेरे को दिखाते हैं। फिर उसको चिता सजाते हैं, चिता के ऊपर रख देते हैं। बोले अभी तो तू राम राम ले कृष्ण कृष्ण, बोले नहीं करूंगा। फिर आग कहाँ देते? बोले मुखाग्नि। हाँ देखो ये चीज को सुनो, इसका मुंह में क्यों आग देते हैं ये चीज को समझो। बोले भगवान तेरे को ये मुंह दिया था ठाकुर का नाम जप करने के लिए, लेकिन तुमने जीवन में ठाकुर का नाम नहीं जप की, ये जीवा में सारा दुनिया की तुमने बात बताई, चुगली फुगली सारा दुनिया की बात तुमने की, जिस मुंह में तुमने भगवान की नाम नहीं ली उसी मुंह में आग। वो बेटा उसका मुखाग्नि देता है, लेकिन ये हमारी भक्ति जगत में संत जगत में मुंह में आग नहीं देते हैं, उसका चरण में आग देते हैं। बोले क्यों? बोले जिसने ये जीवन पा करके जीवन भर भगवान की भजन किया, ये अग्नि देवता है, ये अग्नि देवता भी उसकी चरण की पूजा करता है, अग्नि देवता भी चरण की पूजा करती है। इसलिए हमारी संत जीवन में कभी मुंह में आग नहीं देते हैं, उसकी चरण में आग देते हैं। ये भगवान कौन कह रहे हैं? भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं। बोले माँ जब इस मरने का बाद, आप लोग देखना 13 दिन बाद में शुद्धि क्रिया होता है, कितना दिन बाद में? क्यों ये 13 दिन के बाद में ये शुद्धि क्रिया क्यों होता है? आप देखना मरने का बाद ये गरुड़ पुराण सुनते हैं। कौन कौन ये गरुड़ पुराण सुने हो? हाथ उठाओ तो आप देखना सारी बात वहीं पर लिखा हुआ। कहते ये व्यक्ति को एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, वो बैतरणी नदी केवल टाटी पेशाब खून पीक का होता है, कोड़े मार मार करके उसको ये नदी पार कराते हैं और उसको 13 दिन लग जाती है। कितना दिन लग जाती है? इसलिए 13 दिन के बाद में शुद्धि क्रिया होती है। भगवान कहते बोले माँ ये बैतरणी नदी टाटी पेशाब खून पी का नदी कौन पार करता है? बोले जो ये जीवा पा करके भगवान का नाम नहीं जप करता है, जिसने ये जीवा पा करके भगवान की भक्ति नहीं किया, जिनकी गले में ये तुलसी कंठी नहीं, जिसकी ललाट पर तिलक नहीं है, जो ये भगवान की ये नाम नहीं जप किया, उसी उसको ही ये बैतरणी नदी पार करना पड़ता है। अगर गला में तुलसी कंठी तिलक होना, कभी भी तुम्हें ये बैतरणी नदी पार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर श्री जम महाराज जम दूत को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको कभी भी मेरे पास में मत लाना। बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने एक श्लोक बताया, देखो ये भागवत का श्लोक। बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ती त्रिकंठिका, हृदय नास्ती गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। बोले उनकी शरीर में 3 लक्षण देखोगे। पहला लक्षण देखोगे गले में तुलसी की कंठी देखोगे, ललाट में तिलक देखोगे और उनको हाथों में माला की झोली देखोगे। ये 3 चीज ये श्लोक है, ये 3 चीज देखोगे। संतो लोग ने एक उदाहरण देकर समझाया, कहते अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं, जैसे अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी, अगर कोई विदेश जाना चाहते हो आप लोग को बता सकते हो आपके पास में कितना चीज होनी चाहिए तभी विदेश जा सकते हो? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, तुम्हारे पास में कितना चीज हो तब आप विदेश जा सकते हो, बोलो जोर से। 3 चीज है, बताओ ये 3 चीज क्या है? हाँ देखो, पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा, तीसरा नंबर टिकट। देखो इसी साधारण जगत में
अगर एक देश से अगर आप दूसरे देश में जाना चाहते हो, आपके पास में ये तीन चीज की जरूरत है। कहते भैया पहला नंबर पासपोर्ट। कहते ये पासपोर्ट क्या चीज है? बोले गले में तुलसी की कंठी। सबसे पहले गले में तुलसी कंठी होनी चाहिए, यही तुम्हारी पासपोर्ट है, हैं? इसलिए ये जो तुलसी कंठी है ना, ये साधारण वस्तु नहीं है। ये तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी की निवास है। भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए, तुलसी में अपना स्वरूप रख कर गए। जब हमारे बड़े गुरुजी अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, तो अमेरिका में भी बोले भैया गले में कंठी धारण करो। वो तो विदेशी लोग बोले ये लकड़ी क्यों पहनेंगे, हमारे पास में सोने चांदी, हमारे पास में लकड़ी क्यों पहनेंगे? तो उन्होंने हमारी वेदों से पुराणों से श्लोकों को उठा उठा करके बोले देखो ये तुलसी वृक्ष में कितने शक्ति। अमेरिका में रिसर्च किया, ये हिंदू लोग ये पेड़ पूजा क्यों करते हैं? ये तुलसी पेड़ है ना, देखना हम लोग परिक्रमा करते हैं, दिया जलाते हैं, तुलसी पूजा करते हैं। बोले भैया ये लोग ये तुलसी पेड़ पूजा क्यों करते हैं? तब जो अमेरिका में रिसर्च किया ये तुलसी वृक्षों को, देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कोई मेडिसिन है तुलसी वृक्ष में। आपको एक मेडिसिन की बात बताता हूँ, कल आप लोग को ढूंढ लेना, किसी मेडिसिन शॉप में जाना, बोलना आपके पास में तुलसी पावर है, देखना इतना बड़ा आपको एक बोतल देंगे, उसको साथ में एक पेपर देंगे, देखोगे इतना बड़ा पेपर, वो पेपर को पढ़ करके आप आना कल। कहते 200 बीमारी की जो मेडिसिन दवा ये तुलसी वृक्ष में, दो दो अगर कोई तुलसी पत्ता रोज खाए ना, कभी कैंसर, कभी इसकी टीबी, कभी उसका हार्ट अटैक कभी नहीं होगी। इसलिए हमारे भारत में जब ठाकुर को भोग लगाते हैं क्या करते हैं, उसमें तुलसी पत्ता देते हैं। बोले क्यों? बोले जितने गंदी बैक्टीरिया खत्म हो जाती है, ये बहुत बड़ा के साइंस है। हमारी ये तुलसी को कहां पर भारत में रखते हैं? बोले आंगन में रखते हैं, रखते ना आंगन में। कहते तुलसी वृक्ष को उन्होंने रिसर्च करके देखा, इसकी वातावरण हवा जितना दूर तक फैला हुआ रहती है, वहां पर कोई बीमारी फटकती नहीं। और केवल तुलसी ऐसे के वृक्ष है जो दिन में ऑक्सीजन देता है और रात को भी ये ऑक्सीजन देता है। ये तुलसी वृक्ष ऐसे के वृक्ष है, इसलिए वहां पर रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। अगर गले में तुलसी कंठी धारण की, जब आप इसको स्नान करोगे इसका पानी सारा शरीर में जाएगी। कहते आप घर में बैठ बैठ करके गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सारे तीर्थ में बैठ बैठ कर तुम्हारी नहाना हो गया, सब तीर्थ में नहा लिया तुमने, हैं? इसलिए कहते भैया इसको गले में क्यों पहनते हो? बोले अगर किसी व्यक्ति को मारना हो सबसे सरल उपाय गला दबा दो, और कुछ करने का जरूरत नहीं, गला दबा बार राम नाम सत्य हो जाएगी। जब शरीर में कोई गंदी चीज प्रवेश करती है वो गले से, इसलिए बच्चों को ताबीज कहां पहनाते हैं? कहां पहना तो ताबीज गले में। बोले क्यों? क्रिश्चियन को देखो, मुसलमान को देखो, हिंदुओं को देखो, गले में कुछ ना कुछ पहनते हैं। इसलिए कोई भी गंदी चीजें आएगा, अगर गले में तुलसी हो, उसमें लक्ष्मी नारायण है, सारे मेडिसिन उसके अंदर में, कोई भी गंदी चीज तुम्हारी अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भूत पिशाच डाकिन साकिन उल्टा पुल्टा हवा तुम्हारी अंदर में प्रवेश नहीं करेगी, इसलिए उसको हम गले में धारण करते हैं। और जब महाराज जमदूत को बोले, बोले देखो दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं? जोर से बोलो। कहते एक पालतू और एक फालतू। देखना जो पालतू कुत्ते उनकी गला में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया ये किसी घर की कुत्ते हैं। लेकिन फालतू कुत्तों को देखो बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, आप देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर गले में अगर हमारी तुलसी कंठी है ना, हम किसके पालतू हो गए? किसके पालतू? बांके बिहारी के। अगर गले में कंठी नहीं तो फिर हम कौन हो गए? जोर से बोलो। इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए ठाकुर जी की? पालतू जरूर बने, ठीक है ना? कहते ये हमारी पासपोर्ट है। बोले भैया भीजा क्या है? बोले भीजा ये तिलक है, ये तिलक हमारी ये भीजा है। अगर ये तिलक को अगर जमदूत देख लेंगे ना, समझ जाएंगे भैया ये ठाकुर का आदमी है बांके बिहारी जी। इसलिए देखना स्वयं बांके बिहारी को कहीं भी देखो, देखो ठाकुर जी वहां पर तिलक लगाए, देखो ठाकुर जी को। आप देखो कहीं राम को देखो तिलक लगाए हुए, कभी हनुमान जी को देखो तिलक, कभी आप लोगों ने नारायण को देखे हो? कौन कौन नारायण मूर्ति कहीं देखी?
देखना उनका आधा मुंह तो ठाकुर का तिलक में भरा हुआ देखोगे, आधा मुंह। और देखो तिलक कैसे लगानी चाहिए, पुराण में बताया कम से कम तिलक का जो आकृति 12 अंगुल होनी चाहिए। तिलक होनी चाहिए ऊर्ध्वपुंड, क्या होनी चाहिए ऊर्ध्वपुंड, ऊर्ध्वपुंड मतलब ये तिलक सीधा ऊपर जानी चाहिए, है तिलक को ऊपर। इसलिए आप भगवान की तिलक देखो, कैसे तिलक देखोगे, ऊर्ध्वपुंड तिलक देखोगे। इसलिए तिलक का नियम बताए कितने अंगुल होनी चाहिए, ये तिलक की आकृति कितना होनी चाहिए और कितने तरह का तिलक, इसका क्या क्या लक्षण है। पुराण में बहुत सारे तिलक की लक्षण बताई, इसलिए कहते तिलक क्या, ये हो गया हमारी वीजा। और तीसरा नंबर है कहते टिकट, बोले टिकट क्या है, ये ठाकुर का नाम, मेरे तरफ में देखो ये भगवान का नाम ही, यही यहाँ पर सामने बैठकर बात नहीं करनी। इसलिए जो भगवान का नाम है यही हो गया हमारी क्या है, ये टिकट। इसलिए देखना जीवन में जो कुछ करो करो, लेकिन जब अंतिम समय आता है क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोल गत्य है सब कोई बात झूठा है। इसलिए मीरा कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीम रे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए भगवान का नाम ही यही टिकट है, अगर ये टिकट होगा ना सीधा कहाँ जाओगे, ठाकुर के धाम में सीधा जाओगे। इसलिए बैतरणी नदी उनको पार करना पड़ता है जो गले में कंठी नहीं, तिलक नहीं, जो भगवान की ये नाम को जप नहीं करते उनको पार करना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान की भक्ति करेगा ना उनको ये बैतरणी नदी पार करना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते माँ ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति करो, भजन करो, मैया को बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताए। और भगवान कपिल देव चले गए, कहाँ चले गए, चले गए गंगा सागर में। अभी मकर संक्रांति का दिन एक बार अगर कभी जाओगे देखोगे एक दिन अपने आप पानी नीचे आ जाती है, और साल में एक बार भगवान कपिल देव का दर्शन होता है। बोले श्री भगवान कपिल देव की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो, तिनके भागन को रख ब्रह्मादिक एक भक्त का ब्रजवास के लिए निवेदन प्रार्थना कर रहा है कि संसार में मैंने सब कुछ देखा कहीं कुछ नहीं, ब्रजवास की प्रार्थना कर रहा है किस प्रकार भाव में डूबा हुआ है, आइए आनंद लेते हैं। जय जय श्री राधे। ब्रज राज ब्रज बिहारी, ब्रज राज ब्रज बिहारी, गोपाल बंसी पाले बजारी, हमारी I'm
चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नाम पाठ की हूँ और नाम पाठ हर हमारा
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय होकर पीछे चले जाओ सबके साथ। इसलिए कहते दूसरी पत्नी का नाम बोले सुरुचि, बोले सुरुचि मतलब बोले स्वस्य रुचि, जो अपना मनमानी इच्छा से चलती हैं, जो शास्त्र भास्त्र से कोई मतलब नहीं। इसलिए उसका बच्चा कौन हुआ, बोले ये उत्तम। बोले भैया उत्तम कैसे, अधम होनी चाहिए, उत्तम कैसे हो गया, हम आगे सुनेंगे क्या हुआ है। इसलिए राजा जब सुनीत की शादी की थी, अभी दूसरी पत्नी आई सुरुचि, सुरुचि आते ही नियम पास करना शुरू कर दी। बोले महाराज तब भी मैं रहूंगी अगर ये सुनीत को पहले निकालो, पहले ये ध्रुव जी को निकालो पहले, उसको बाद में फिर रहूंगी, नहीं तो घर में रहूंगी नहीं। पहले जो सुनीत थी वो पहले पत्नी थी, पहले पत्नी कैसे लगती हैं, पहले लगती हैं ये चंद्रमुखी। बोले एक चंद्रमा था आकाश में, दूसरे चंद्रमा हमारी पास में, वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में फिर सूरजमुखी बन जाती है, फिर बाद में वही सूरजमुखी फिर ज्वालामुखी बन जाती है, फिर तो एक बात दो बात लड़ाई झगड़ा, फिर तो अशांति शुरू हो जाती है। जब अभी ये सुरुचि आ गई, नहीं नहीं ना, अभी सुनती पहले था सूर्य चंद्रमुखी, अभी हो गई ज्वालामुखी, अभी आ गई नई बहू। अभी लगती है कैसे, कहती चंद्रमुखी लगती है। राजा इसकी बात सुन करके उन्होंने क्या की, सुनीति को सचमुच से घर से निकाल दी, सचमुच से घर से उसको निकाल दी। एक दिन ही छोटा बेटा बैठा हुआ था पिताजी की गोद में, अभी ध्रुव जी का भी तो इच्छा करता है मैं भी पिताजी का गोद में बैठू, लेकिन सुरुचि ने बड़ी भर्त्सना की, बोले खबरदार पिताजी की गोद में बैठ नहीं सकते हो, अरे बैठना चाहते हो पहले ये शरीर का त्याग दे, तपस्या करके मेरे कोख से जन्म लेने पर तभी बैठ सकते हो, वो तो क्षत्रिय का बच्चा कैसे सहन कर सकता है। रो रो करके अपना माँ के पास में गए, माँ के पास में जाने पर, लेकिन माँ कौन है, बोले माँ सुनीति, वो स्वरुचि नहीं, अपना मनमानी ढंग से चलने वाले नहीं, वो थी सुनीति जो उत्तम नीति को अपनाने वाली। मैया ये बोल सकती थी, तू बड़ा बेटा राज सिंहासन में तेरा अधिकार, अभी तू द्रोह आचरण करना शुरू कर दे, लेकिन उसने ये नहीं बताई। बोले देख बेटा भाग्य में जो होता है ना वही मिलता है। उसने गाली तो दी लेकिन उसने एक अच्छी बात भी बताई, क्या बोली, बोले भगवान की आराधना करो ये अच्छी बात है। इसलिए बेटा ये पिता कब तक रहेगा, राज्य कब तक रहेंगे, सब ध्वंस होने वाले, अगर भगवान की गोद में एक बार बैठ जाओ ना कभी तेरे को उतरने का जरूरत नहीं, ठाकुर जी की गोद में बैठो। बोले माँ वो कहाँ रहते हैं, बोले बेटा उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करना पड़ेगा। बोले मैया चिंता मत करो मैं ध्रुव हूँ, ये बच्चा जिसका गोद में ले लो, ये बच्चे जिसके गोद में ले लो। इसलिए बोले चिंता मत करो मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, भगवान को प्राप्त करके ही छोड़ूंगा, मेरे को तू आदेश दे। तो उन्होंने माँ की चरण की पूजा करते हुए, माँ की परिक्रमा करते हुए भजन करने चले गए। देखो ध्यान देकर सुनो, नियम है अगर पिता माता की आदेश को लेकर कहीं अगर जाओगे ना जरूर तुम्हारी काम बनेगा। इसलिए नियम है, जैसे भगवान राम क्या करते थे, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, भगवान सबसे सर्वेर उठ करके पहले पिता माता की चरण छुआ करते थे, छुटते कि नहीं भगवान। रामायण देखे हो, जब दशरथ महाराज शयन किए हुए, भगवान स्वयं जा करके दशरथ महाराज की चरण की ये सेवा किया करते थे हैं। इसलिए शास्त्र में बताया जो व्यक्ति सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुएगा
गुरुजन को आशीर्वाद लेगा उसको चार चीज की प्राप्ति होगी, जस वैभव श्री ऐश्वर्य उसकी प्राप्त होगी। जो सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छुएगा, अगर ललाट में अगर कोई उल्टा पुल्टा लिखा हुआ ना, पिता माता की आशीर्वाद अगर हृदय से निकले फिर क्या होगा, सब के सब उल्टा पुल्टा चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए सवेरे उठकर क्या करनी चाहिए, पिता माता की चरण छूनी चाहिए और गुरुजनों की सास ससुर को भी चरण छूनी चाहिए। सवेरे उठकर कौन कौन पिता माता की चरण छूते हैं? एक व्यक्ति हाथ उठाए, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति हाथ उठाए। इसलिए क्या करो, सवेरे सबसे पहले उठ करके देखो, कथा में आते हो कम से कम कुछ तो लेकर के जाओ, कथा से तो कुछ लेकर के जाओ। क्या करो, पहले अपना पिता माता की चरण छुओ, अगर सास ससुर होएगा ना तभी उनकी भी चरण छूनी चाहिए। देखो जैसे एक व्यक्ति का तीन बच्चे हैं, घर का सारे सोना चांदी किसको पास में रहता है, माँ के पास में, सास के पास में। अगर एक बहू अगर सास ससुर की खूब सेवा करे, बढ़िया से सेवा करे, लेकिन जब बंटवारा होता है जो बहू सेवा करेगी, बंटवारा से पहले बहू सास क्या करेगी, जो बहू ज्यादा सेवा करेगी ना पहले उठा करके उसको कुछ दे देगी, पहले तू इसको छुपा कर रख ले, क्यों अभी बंटवारा होगी ना, बंटवारा होगी ना। इसलिए हर तरह से लाभ ही लाभ है। इसलिए हमें यहाँ पर उन्होंने माँ की आदेश को, माँ की चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेकर गए और उन्होंने ऐसे उतावला हो गए, भगवत प्राप्ति के लिए इतने उत्कंठा जगी, भगवान वैकुंठ में चंचल हो गए। माँ लक्ष्मी पूछा, प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो? बोले एक छोटा बच्चा मेरे को पाने के लिए इतने उतावला हो रहा है, उत्कंठा हो रहा है। बोले जाओ उसको दर्शन दे करके आओ। बोले देखो लक्ष्मी, अभी तक उसने गुरु ग्रहण नहीं किया है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, अगर जीवन में सदगुरु अगर कोई नहीं अपनाएगा तो वो भगवत प्राप्त को नहीं कर सकता है। लेकिन ये कि नियम है, कहते गुरु कर जान के और पानी पियो छान के, ये भी एक नियम है। इसलिए शास्त्र में बताया गुरु जी की तीन लक्षण होनी चाहिए भागवत में। बोले तीन लक्षण क्या है? बोले तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ते तज्ज्ञानम् ज्ञानिन तत्वदर्शिन। उनका पहला गुण होनी चाहिए जो सारे शास्त्र को जानने वाले हो, नहीं तो शिष्य की जो शंका जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है। इसलिए पहला लक्षण किया सारे शास्त्र जाननी चाहिए, लेकिन यही सब कुछ नहीं। दूसरा लक्षण क्या है? भजन परायण भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए बता रहे हैं लेकिन अपना जीवन में उतारते नहीं। बोले नहीं, जो बोलते हैं वो भी अपना जीवन में उतारते हैं, अपना जीवन में भजन साधन करनी चाहिए। तीसरा जो लक्षण है ये विषयों से विरक्त निकाल सकता है। इसलिए कहते हैं गुरु जी के अंदर में तीन गुण होनी चाहिए, शास्त्र ग्रंथ उनको अध्ययन होनी चाहिए, उसको साथ साथ में भक्ति परायण और ये माया संसार से दूर होनी चाहिए, तभी ये हमारी उद्धार कर सकते हैं। इसलिए इतने में लक्ष्मी बोली, प्रभु आप तो इच्छा करने पर ही वो काम हो जाएगा। तब उन्होंने नारद जी को स्मरण किया, नारद जी जब आए बोले नारद जी जाओ तुम ठोक पीट करके पहले ध्रुव जी को परीक्षा लो, उसको बाद में उसको मंत्र दे करके आओ। बस नारद जी बीणा बजाते बजाते आ गई। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए आया हूँ। बोले ये कोई भजन करने का उम्र है? अरे इसी समय तो बच्चे खेलते कूदते हैं, 5 साल के बच्चे भजन क्या, घर में चले जाओ। ध्रुव जी ने पूछा आप कौन हो? बोले मैं नारद हूँ। बोले लगता है आप कोई डुप्लीकेट नारद होंगे, क्योंकि मैंने सुना नारद जी सबको भजन की उपदेश देते हैं, लेकिन आप कह रहे हो अब तुम घर में वापस चले जाओ। अगर आप सचमुच से नारद हो, मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, ठाकुर जी मुझे जरूर मिलेंगे। बोले क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं श्री धीर भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना। जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान को सेवा पूजा करते हैं, भगवान खुद कहते हैं मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं एक दिन तुम मेरे को प्राप्त कर सकते हो,
लेकिन जो भक्त का शरण में जाकर के जो भजन करता है, सदगुरु आश्रय करते हुए जो भजन करता है, भगवान कहते निसंशय, वो मुझे प्राप्त में कोई शंका नहीं, वो जरूर प्राप्त करेगा। इसलिए जब श्री हनुमत लाल जी माता सीता को ढूंढने के लिए पहुंचे लंका में पहुंचे, तो इतने में वहां पर उन्होंने देखा तुलसी बाग है। फिर हनुमान जी उतरे, फिर देखा घर को सामने लिखा हुआ श्री राम। फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाए, फिर विभीषण आए। तब विभीषण को साथ में जब साक्षात्कार हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, बोले प्रभु राम की एकनिष्ठ भक्त श्री हनुमत लाल है। तब विभीषण कहता है आज मैं भा भरसा हनुमंता, और बिनो हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता, जो रघुवीर मैं अनुग्रह किनी तो मैं दरस ऐठे देनी। लगता है आज मेरे ऊपर में भगवान राम का कोई विशेष कृपा हो गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता, जहां पर चारी तरफ में राक्षस लोग है, और उसको बीच में भगवान राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी, उसका दर्शन कभी तो मैं सोच नहीं सकता हूँ। आज तो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया, भगवान जरूर हमें दर्शन देंगे, ठाकुर जी हमें दर्शन देंगे। इसलिए ध्रुव जी ने कहा मेरे को ठाकुर जरूर मिलेंगे। इसलिए अगर आप सही सही नारद, आप केवल मेरे को मंत्र प्रदान करो, फिर आप देखो मैं क्या करता हूँ। नारद खुश हो गए, फिर उन्होंने मंत्र देते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा तू चली जा मथुरा में, वहीं पर ध्रुव दिला, वहीं पर तुम तपस्या करो। त्रिसंध्या यमुना में स्नान करते हुए उन्होंने 6 महीना में भगवान को आसन को हिला दिया। 6 महीना में, पहला महीना में तो 3 दिन अंतर अंतर में बेर फल खा करके तपस्या की, दूसरे महीना में 6 दिन अंतर अंतर में सूखे पत्ते को खा करके, 3 महीना में केवल उन्होंने पानी पी करके 9 दिन अंतर अंतर में, 4 और 4वां महीना में 12 दिन के बाद में केवल हवा एक बार लेते थे, और 5वां महीना में हवा भी उन्होंने बंद कर दी, और 6वां महीना में जब उन्होंने अपना प्राण वायु को खींच लिया, सारे हवा बंद हो गया। सारे देवता लोग हाहाकार करते हुए ठाकुर जी के पास में गए, बोले कोई चिंता मत करो मैं जा रहा हूं। जब भगवान वैकुंठ से आ रहे थे, वैकुंठ वासियों ने पूछा प्रभु जी आप ये सधज करके कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, बोले ध्रुव जी को दर्शन करने में जा रहा हूं। इसलिए भगवान आकर के एक झलक दर्शन दे करके जब अंतर ध्यान हो गए, इतने में ध्रुव छटपट करने लगे। ध्रुव जब आंख खोले, सामने श्री भगवान को दर्शन की। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जोर से बोलो, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान संतुष्ट होकर के बोले बेटा मेरी स्तुति करो। बोले प्रभु मैं स्कूल गया ही नहीं। भगवान दिव्य ज्ञान जो शंख है उसका कपल में स्पर्श करते ही दिव्य ज्ञान की स्फूर्ति हुई। फिर तो उन्होंने धड़ाधड़ श्लोक बोलना शुरू की। भगवान ने कहा बेटा बरमागो। बोले प्रभु इसकी चक्कर में मेरे को मत डाला करो। हैं, अगर कोई कांच की टुकड़ा ढूंढते ढूंढते पारस मणि अगर मिल जाए, फिर ये कांच को थोड़ी कोई ग्रहण करेगा। इसलिए प्रभु आपकी जो चरण है ब्रह्मा शंकर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए प्रभु आपकी भक्ति संतों का संगत हो। बोले जब मैं मिल गया सत्संग क्यों चाहते हो? बोले प्रभु आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, आपकी कथा तो भक्त सुनाएंगे। अगर संतों के संग में रह करके तुम्हारी कथा सुनते रहेंगे मन अपने आप तुम्हारी चरण में लगी रहेगी, इसलिए मेरे को संतों की संगत दो। बोले और कुछ मांगो? बोले प्रभु और किसी चीज की मेरे जरूरत नहीं। बोले मैं स्वयं तर्क देता हूँ, जैसे मेरा एक वैकुंठ लोक, तेरे लिए भी एक वैकुंठ बना दूंगा, और संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में तुम 36,000 साल तक तुम निष्कंटक रूप में तुम राजत्व करो। ध्रुव महाराज जब आए 36,000 साल राजत्व की, उसको बाद में वैकुंठ से रथ आया लेने के लिए। जब रथ लेने के लिए आया, इतने में काल स्वयं आ गया। बोले जब तक मेरे को स्पर्श नहीं करोगे तब जा नहीं सकते हो, तुम बैठ जाओ। उन्होंने काल के सर के ऊपर प्यार रख दिया। ये बच्चे किसके बच्चे हैं भैया? ये बच्चे को लेकर के अपना गोद में रखो।
पीछे छोड़, इसलिए उन्होंने काल के सर के ऊपर उन्होंने अपना प्यार को लग लिया। इतने में अपना मैया की याद आई, मैया की याद आई तो बोले मेरी मैया कहाँ है, सब ध्यान देकर सुनो, बोले मेरी मैया कहाँ है, बोले भैया मैया को क्यों ढूंढ रहे हो, देखो देखो माता है, ये बात को इतना इतनी सी बात लेकर के जाओ, बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे हो, बोले आज जो मेरे को भगवत प्राप्ति हुई माँ की आशीर्वाद से, माँ ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, बोले जाओ ठाकुर जी की भजन करो, माँ की कृपा से आज हमें ठाकुर जी मिले हैं, जब तक मैया को नहीं लूंगा तब तक मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। विष्णु दूतों ने कहा देखो तेरी मैया तेरे से पहले जा रही है, जो रथ है ना तेरी मैया बैठ करके वैकुंठ पहले जा रही है, तू पहले नहीं माँ को पीछे पीछे, तू माँ के पीछे पीछे जा रहे हो, फिर माँ को लेकर के उन्होंने वैकुंठ गए। देखो अगर मैया को अगर बच्चों को भजन में लगाओगे सबसे पहले वैकुंठ कौन जाएगा, बेटा नहीं जाएगा, आप जाओगे। इसलिए भगवान नरसिंह देव खुद कहते हैं जिस कुल में एक संत जन्म हो जाए, भक्ति करने वाले बेटा जन्म हो जाए, बोले कितना लाभ है, बोले कुलम पवित्रम जननी कितार्था, बोले उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चा उधार होने से पहले पिता माता वैकुंठ जाते हैं, बोले नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितरे साम, जो पूर्वज लोग तुम्हारे पहले चले गए, जब देखते हैं खानदान में कोई भक्ति करता है नृत्यन्ति नाचना शुरू कर देते हैं, हमारी अहोभाग्य है हमारी वंश में एक भजन करने वाले बच्चा जन्म हुआ, अभी कोई चिंता नहीं अभी हमें मुक्ति मिल जाएगा। बोले वसुंधरा वसतिश्च धन्य, बोले जिस पृथ्वी के ऊपर में वो बच्चा जन्म लेता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। एक बच्चा अगर खानदान में भक्ति करना शुरू कर दे, लेकिन अगर बच्चे बिगड़ जाए, शराब पीना शुरू कर दे, सिगरेटें फूंकता है, मांस मछली खाता है, गलत रास्ता में चला गया, कहते इसका पाप भी पिता माता को लेना पड़ेगा, इसका पाप भी पिता माता को लेना पड़ेगा, जैसे पुण्य लेगा वो पाप भी लेगा। एक पुराण में कथा आती है, बोले एक जोगी पहुंचा स्वर्ग में, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया था, रत्न सिंहासन में बैठा हुआ था, उनको सब देवा देवियां उनको सेवा कर रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में बैठ बैठ करके रो रहा था। तब वो जोगी ने पूछा भैया तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया और ये स्वर्ग में क्यों रो रहे हो, बोले मैं बहुत पुण्य कर्म किया इसलिए स्वर्ग में आया, लेकिन मेरे से की गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई, बोले बच्चों को मैंने सदमार्ग नहीं दिखाया, बच्चों को हमने इधर सुना सबके सब, बच्चों को हमने सदमार्ग नहीं दिखाया, मैंने जो पैसा रख करके आया था अभी उसी पैसा से बच्चे ये शराब पी रहे हैं, उसी पैसा से बच्चे जुआ खेल रहे हैं, उसी पैसा से बच्चे मांस मछली खा रहे हैं, चूंकि पैसा को मैंने रख करके आया था और मेरे पैसा को ये दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पाप कर्म मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है, यहाँ भी इसका पाप को मेरे को लेना पड़ रहा है। इसका तात्पर्य है अगर हम बच्चों को सदमार्ग नहीं दिखाए, बच्चे अगर सही रास्ता पर नहीं जाए, पैसा कमा करके हम छोड़ कर गए, अगर वो बच्चे उसका दुरुपयोग करे उसका पाप भी हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, पहले बच्चों को भजन में लगाओ, क्या करो बच्चों को क्या करोगे, बच्चों को क्या करोगे, बच्चों को पहले भगवान की भजन में लगाओ, ठाकुर जी की भक्ति में लगाओ। इसलिए सवेरे सवेरे बच्चों को बोलो तुम एक माला जप करके जाओ, एक माला जप करके अपना स्कूल में एक माला जप करके जाओ। बोले नहीं बच्चे बात नहीं सुनते हैं, आप ये बताओ बच्चों को जोर जबरदस्ती स्कूल भेज रहे कि नहीं, बताओ बच्चों को जोर जबरदस्ती स्कूल भेजते कि नहीं, सवेरे उठा करके खिला पिला करके उसके लिए नाश्ता देकर जोर जबरदस्ती उसको स्कूल में भेजते हो। जब बच्चा इतने आप देखना संसार में बच्चा जब थोड़ी सी ज्यादा लिखा पढ़ा सीख जाता है ना, पिता माता को देख तू बेवकूफ क्या जानते हो, हम इतने लिखा पढ़ा किया है, हमने इतने लिखा पढ़ा किया तुम क्या जानते हो। अरे जब तुम बच्चे को इतने लिखा पढ़ा सिखा देते हो बच्चे तुम्हें गाली गलौज करता है। अगर बच्चों को बचपन से अगर संस्कार डालोगे जब बड़े होगे बच्चा तभी तो तुम्हें आदर करेगा ना। इसलिए हमारे गुरु जी जो थे बड़े गुरु जी जो तस्वीर लगाए हुआ
किसने कहा गुरुजी बेटा बात नहीं सुनता है, ध्यान देकर सुना। बोले बेटा बात नहीं सुनता है, देखो गुरुजी ने क्या बताया। बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा, उसको यही दुर्गति है। क्योंकि अगर रामायण पढ़ाता, रामायण में क्या लिखा हुआ है, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा। भगवान सवेरे उठकर पिता माता के चरण छूते थे, सेवा करते थे। रामायण तो खुद पढ़ा ही नहीं, बच्चों को रामायण तो पढ़ाया नहीं। स्मार्टफोन पकड़ा दिया तुमने, 10-20 हजार की स्मार्टफोन पकड़ा दिया जिसमें उसका जीवन बर्बाद हो जाए। तुमने गीता नहीं पढ़ाई, रामायण नहीं पढ़ाया, बताओ इसका दुख कष्ट कौन भोग करेगा? पिता माता को तो भोग करना है ना। इसलिए पहले क्या करो, पहले खुद सवेरे उठ करके माला जप करो। क्या करो, पहले माला जप, रामायण पढ़ो, फिर बच्चों को भी बोल सकते हो बेटा तू भी एक माला जप कर। अगर माता स्वयं भजन नहीं करेगी, स्वयं माला नहीं जप करती है, आप बताओ बच्चों को बोलने पर तुम्हारी बच्चा सुनेगा तुम्हारी बात? बताओ बच्चा सुनेगा तुम्हारी बात? पहला गुरु पिता माता। इसलिए सबसे पहले क्या करो, माला जप करो। सबसे पहले खुद पहले माला जप करो, फिर बच्चों को बोलोगे ना माला जप करने के लिए, फिर बच्चा भी माला जप करेगा, नहीं तो बच्चा कभी नहीं करेगा। इसलिए उनको भी अंदर में रामायण पढ़ाओ, गीता का कोई श्लोक पढ़ाओ, बच्चों को अंदर में अच्छी संस्कार डालनी चाहिए। ठीक है, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ बच्ची, तुम भी खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ, हाँ तुम खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम नहीं पीछे, ये दोनों उधर उधर घूम कर खड़े हो। देखो ये दोनों बच्चों को देखो, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, पढ़ाई भी करते हैं। देखो इनकी तिलक लगाए, इनकी गले में देखो तुलसी कंठी है, इनकी गले में देखो माला झूला हुआ है। बोले भैया ये क्यों भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति क्यों, इतने कम उम्र में भक्ति कैसे कर रहे हैं? कारण है इनके जो पिता माता है ना वो भजन करते हैं, इसकी पिता माता भक्ति करते हैं, तभी उन्होंने बच्चों को भजन में तभी लगाया। इसलिए आप पहला गुरु भैया सुनो तो आ गए। बोले चिंता की कोई बात नहीं, हम रक्षा करने वाले। अभी एक तरफ में जमदूत, एक तरफ में विष्णुदूत, दोनों में लड़ाई हो रहे हैं कौन ले जाएगा। इतने में विष्णुदूत ने कहा भैया तुम क्यों ले जाओगे? बोले उसने पत्नी को त्याग दी, बेस्या को साथ में रहा, सिद्धानंद ले जाएगा? बच्चों को पालन करने के लिए चोरी गुंडागिरी सब कुछ गंदा काम किया और उसने अमेध भोजन की, सीधा नरक जाएगा? बोले भैया उसने कुछ पुण्य भी तो किया। बोले क्या पुण्य किया? बोले अभी जो ठाकुर का नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी में पाप करो, मरने से पहले एक बार राम बोल दिया नारायण हो गया। तब विष्णु दूत कहते हैं तुम्हें पता है भगवान नाम के कितना महिमा, जैसे रुई का कोई एक ढेर हो, नहीं तो भूस का कोई ढेर हो, उसमें आग की एक चिंगारी लग जाए ना वो जला करके राख बना देता है, लेकिन जो ठाकुर का नाम है। बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में सिखलाया हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर के भगवान की नाम है। इसलिए बड़े तर्क वितर्क हुआ, तब फिर जमदूत ने कहा बोले भगवान को कब बुलाया, वो तो अपना बेटे को बुला रहा था, भगवान को बुलाया कब? तब विष्णु दूत कहते हैं जब उसने बेटा का नाम नारायण रखा उसका सारे पाप खत्म हो गया था। अभी छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, हर बात बात पर बेटा नारायण पानी ले आ, बेटा नारायण गोद में ले आ जा, जैसे माला जप करते ना ये माला जपना हो गया। लेकिन अंतिम समय में जिसने जब नारायण नाम लिया,
क्या तो भगवान को थोड़ी बुलाए, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। विष्णु दूत ने कहा भगवान का नाम चारी तरह से कल्याण करता है। पहला नंबर संकेत्यम, संकेत्यम का मतलब होता है संकेत वा इशारा करके। जैसे बेटा का नाम कन्हैया रख दिया, कान्हा रख दिया, नहीं तो बेटा का नाम राम रख लिया, बारंबार उसको संकेत करके बुलाते हो, इसमें भी जीव का कल्याण होता है, इसमें भी जीव का कल्याण होता है, इसलिए इनकी उद्धार हो गई। इसलिए पहले देखना सबके सब लोग अपना बच्चों का नाम गोविंद कृष्ण दामोदर, जितने माताओं का नाम पुराने पुराने पूछो, लक्ष्मी सीता राधा ये सब नाम। लेकिन अभी बच्चों को नाम पूछो, टिंकी पिंकी टुल्लू बुल्लू, और विदेश में जितने कुत्ते हैं ना सब, ये सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम तरह था। कहते नहीं ये सब पुराना नाम था, अभी तो बच्चों को हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें पहले पुराना कृष्ण गोविंद राधा गीता था, अभी तो हम इसलिए विदेश में से कुत्तों का नाम, इसलिए भैया कुत्तों का नाम बच्चों का नाम मत पकड़ाया करो, कम से कम बच्चों का नाम ठाकुर का नाम धराओ। जितना बार बच्चों को बुलाओगे मुंह से कम तो ठाकुर का नाम निकलेगा, बच्चे का कान में पड़ेगा उसका भी कल्याण, तुम भी बुलाओगे तुम्हारी कल्याण, घर में ठाकुर का नाम होगा घर का भी कल्याण। इसलिए भैया कुत्तों का नाम मत धराया करो। वृंदावन कौन कौन गए हो? वृंदावन में वहां पर एक इस्कॉन मंदिर है, जाना देखना, वहां के छोटे छोटे बच्चों को पूछना, लड़की लड़कों को अंग्रेजी, वो अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी, छोटे छोटे बच्चों का नाम पूछना कैसे नाम करें। पूरा भारतीय संस्कृति है, वहां के स्त्रियों को देखना, अंग्रेजियों को सर पर कैसे कपड़ा ढक करके तिलक लगाए, गले में माला है, हाथ में माला झोली देखोगे, वो अंग्रेजी कहाँ हो करके हमारी भारतीय संस्कृति को वो ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय होकर के अंग्रेजियों का खान पान रहन सहन है, हम उनका को नकल कर रहे हैं हम सब के सब, और वो नकल कर रहे हैं हमारी संस्कृति को। इसलिए भैया हमें उनकी संस्कृति नकल नहीं करनी चाहिए, हम अपना संस्कृति हिंदू संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति को हमें रक्षा करनी चाहिए, उनकी संस्कृति को हमें नहीं अपनाना है, ठीक है ना। इसलिए केवल बच्चे का नाम लेते लेते उनको उधार हो गई। फिर भागवत में कथा आती है प्रहलाद महाराज की, कथा आती है बचपन में प्रहलाद महाराज कैसे भक्ति की। उसको पिताजी ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, तो उन्होंने बताया बताओ मेरे भगवान कहाँ नहीं तो बताओ, बोले ये खंबे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, सचमुच से ठाकुर प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाऊंगा बाद में तेरे को दिखाऊंगा। जब उन्होंने मुष्टि का घात की खंबा फट गया, साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इतने में दोनों में घमासान युद्ध हुई, युद्ध होते होते जब ठीक शाम का समय आया ना, जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ ले, पकड़ करके उन्होंने दहली में ले आए, और दहली में जंघे के ऊपर रख करके जब उसको मारने जा रहे थे, हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे को मार नहीं सकते, बोले क्यों, बोले ब्रह्मा जी से मैंने वरदान मांगे, बोले बोल क्या वरदान मांगे, बोले दिन में नहीं मरूंगा रात में नहीं मरूंगा, बोले भले आदमी देख ले ये दिन ना रात ये शाम का समय में, बोले तब भी नहीं मार सकते, बोले क्यों वरदान है ना, बोले घर में नहीं मरूंगा बाहर नहीं मरूंगा मारोगे कैसे, बोले देख भले आदमी तू दहली पर हो, बोले तब भी नहीं मार सकते, बोले क्यों, बोले ब्रह्मा जी से वर मांगे तुम्हारी सृष्टि किसी प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा, बोले अच्छे तरह से आग फाड़ फाड़ कर देख, ब्रह्मा जी मेरे को सृष्टि की ना मैंने ब्रह्मा जी को सृष्टि की, ब्रह्मा का मैं बाप हूँ, बोले तब भी नहीं मार सकते, बोले क्यों, बोले वरदान है ना, बोले किसी महीना में नहीं मरूंगा कैसे मारोगे, बोले याद कर ये अधिक महीना ये मल मास है, बोले तब भी नहीं मरोगे, बोले कैसे, बोले ब्रह्मा जी मेरे को आकाश में नहीं मेरे को पृथ्वी पर कोई नहीं मार सकते हैं, बोले अच्छे तरह से देखते मेरे जंघे के ऊपर में, बोले तब भी नहीं मार सकते, बोले बताओ क्यों नहीं, बोले वरदान मेरे पास में सब मैंने बांध कर बंद करके रखा मृत्यु को, बोले बता दे क्या वरदान, बोले किसी अस्त्र में नहीं मरूंगा किसी शस्त्र में नहीं मरूंगा, बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं मेरे नाखून को तू देख ले, देखते देखते उनके पेट को फाड़ लिया और इन्होंने अपना गले में सारे नाड़ी भुड़ियों को पहन लिया, बोले उनको पेट क्यों फाड़ दिए, बोले इसकी औरत से सही ये प्रहलाद हुआ है,
हो सकता है इसका पेट से और भी प्रहलाद जैसे दो चार भक्त निकल जाए, इसलिए उन्होंने गले में नाड़ी भूड़ी पहन लिया। और इतने भयंकर इनकी मूर्ति था, शंकर जी आए भाग गई वहां से, नंदी पूछ खड़े करके भाग गई। ब्रह्मा जी आए तो उनको टेढ़ी नजर से देखे, तुमने इसको वरदान दिया मेरे भक्तों को सताया, ब्रह्मा जी भाग गए। मैया लक्ष्मी को जाकर के मनाए, बोले माँ आप ही मना सकते हो, बोले ठाकुर तो बड़े सुंदर है। सात अंगारम भुजग सहनम, मैया आरती की थाला लेकर के आई और नरसिंह देव के भ्रुकुटी तेरे नजर से देखे। लक्ष्मी बोली प्रभु मैंने तो कभी ये रूप देखा ही देखो ही ना। लक्ष्मी तो आरती की थाला को फेंक करके भाग गई, अभी इनको शांत कैसे होगा। इतने में प्रहलाद को पास में गए, बोले प्रहलाद तेरे वजह से ठाकुर जी आए, तू ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद कोई भय नहीं, निर्भय से आ गए और ठाकुर जी उसको गोद में बैठा कर चाटने लग गए। बोले प्रहलाद मेरे को आने में देर हो गया, मेरे अपराध को माफ कर देना, ये सब के सब मेरे रूप देखकर डर रहे कांप रहे हैं, तेरे को डर नहीं लग रहा है। बोले प्रभु शेर दूसरे के लिए शेर होता है, उनके बच्चे के लिए शेर नहीं होता, आपका ये रूप तो मेरे को बड़े प्यारा लगता है ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी बोले बेटा वर मांगो। बोले प्रभु इसकी चक्कर में मत डाला करो, ये वरदान की चक्कर में मत डाला करो। बोले बताओ तुमको क्या चाहिए। बोले मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। देखो बेटा अगर संत है ना, उसका हृदय कितने कोमल है, कितना संत हृदय नवनीत समाना है। जिस पिता जिंदगी भर उसको मारने के लिए कोशिश की, पहाड़ का ऊपर में फेंक दी, उसको काल कोठरी में बंद कर दी, जहर पिलाया, क्या नहीं किया उसको पिता मारने के लिए। जब ठाकुर जी कहते हैं तेरे को वर मांगो, बोले प्रभु मेरे पिता को उद्धार कर दो, मेरे पिताजी को नरक मत भेजो। ठाकुर जी कहते प्रहलाद तेरे जैसे बच्चा जिस खानदान में जन्म लिया, पिताजी की बात क्यों कहते हो, तेरे तो 21 पीढ़ी उधार हो गई, तेरी किसी पीढ़ी उधार हो गई तुम्हारी, पिताजी का नाम क्यों कहते हो। देखो एक बच्चा अगर भक्त जो हो अभक्त हो, इसी दुनिया में माना तुम्हारे दो बेटे नहीं तो तीन बेटे, तुम्हारे पास में कुछ संपत्ति, जो बच्चों को तुमने अलग की, किसी बच्चे के हिस्से में थोड़ी कम पड़ गया और किसी बच्चे के हिस्से में थोड़ी सी ज्यादा पड़ गया, देखना जिस बच्चे का हिस्सा में कम दोगे ना, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक तेरे को गाली निकालते रहेगा, डोकरा डोकरी मेरे को कम देकर गए और वो भैया को ज्यादा देकर गए, जिंदगी भर तुमको गाली निकालेगा वो बच्चा। लेकिन अगर बेटा भक्त होता है ना, उसका हृदय देखो कितने बड़े, इसलिए नियम है अपना बच्चों को भक्त बनाओ। इसलिए सुमित्रा कहती है, जब लक्ष्मण सुमित्रा को पास में आई, बोले मेरे को आदेश दे दे माँ, राम सीता की सेवा के लिए वनवास जाओ। सुमित्रा का छाती चौड़ी हो गई। बोले बेटा तेरे जैसे बेटे को जन्म दे करके आज मैं धन्य धन्य मान रही हूँ। कहते पुत्रवती युवती जगत सोई, रघुपति भक्ति जासूस तो हुई। कहते उसी माँ को पेट में बच्चा धारण करना सार्थक था जिसका बेटा भक्त होगा। दूसरी लाइन में कहती है, अगर तुमने बच्चों को भजन में नहीं लगा पाई, कहते माँ को बांझ रहना सही, क्या रहना सही है। सुमित्रा कहते माता को बांझ रहो, बच्चे जन्म मत दिया करो, मना कर देती है, बच्चे चभी जन्म दो अगर बच्चे को भजन में लगा पाओगे। क्यों, 9 महीना धारण करोगे, प्रसव पीड़ा सहन करोगे, गिल्ली में सो करके सुखा में सुखाओगे, अगर बच्चा अगर बिगड़ गया, शराब पिया, दारू पिया, जुआ खेला, सिगरेट फूका, तो उसका पाप फिर नरक में, फिर नरक जाकर भोग कर उसके लिए। इसलिए कहती है तभी बच्चे को जन्म दो जब बच्चे को भजन में लगाओगे। इसलिए पहले क्या करो, सबके सब माला जप करो, सबके सब क्या करना, सबसे पहले माला जप करो, सबके सबसे पहले जितने माता आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारे शिष्य लोग हैं जो माला लेकर गए, जिनकी पिता माता भजन कर रहे हैं ना, देखना उसका घर में उसकी बच्चे भी कंठे, गली में कंठी, और वो भी माला जप करते हैं। क्यों, पिता माता खुद करते हैं, बच्चे तो करेंगे, अरे खुद नहीं करोगे तो बच्चे सीखेगा कहाँ से। इसलिए सबके सब माला लेना और सबके सब भजन करना, भक्ति करना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। देखो आज है एकादशी व्रत है, थोड़ी सी एकादशी की कथा सुन लो। कल मैंने बताया था एकादशी की कितने महिमा, एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब है आप एकादशी व्रत करते हुए जो मांगोगे एकादशी आपको वही दे देगा।
एक व्रत का नाम कल मैंने बताया था ना, पहले नंद बाबा की संतान नहीं था, उन्होंने हर तरह का बार व्रत कर लिया था, लेकिन उन्होंने नंद जसोदा ने सोचा हमने तो हर व्रत किया है लेकिन अभी तक हमने एकादशी व्रत हमने नहीं की, चलो हम एकादशी व्रत करते हैं। जब एकादशी व्रत की तभी घर में उनको कृष्ण जन्म लिया, कान्हा तभी जन्म लिया है, इसलिए एक व्रत का नाम है पुत्रदा, मतलब जो पुत्र को प्रदान करती है। एक व्रत का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, अगर वो एकादशी आप व्रत करो ना घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जो व्रत करने से जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाती है। एक एकादशी का नाम है विजया, जो एकादशी करने पर संसार में विजय होगा। एक एकादशी का नाम है अर्नधा, जिसके घर में अर्न की कमी है अब वो एकादशी व्रत करो घर में खूब अर्न आएगा। एक एकादशी का नाम है मुक्सदा, जिसको करने से संसार से जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए तुम उधार होकर के ठाकुर के पास में चली जाओगी। आज जो एकादशी है उसका नाम है जया, क्या कौन सा एकादशी है जया, जया मतलब होता है जय होना। अगर ये एकादशी को कोई करोगे ना सर्वत्र तुम्हारी जय ही जय होगी, जहां जाओगे तुम्हारी विजय विजय की प्राप्त होगी, इसलिए ये आज ही एकादशी का नाम है। कहते भैया ये एकादशी क्यों सृष्टि हुई है, बोले एक समय भगवान कृष्ण और नारद जा रहे थे कि बच्चे किसका, मैंने इतना बार बोला उसको कोई गोद में नहीं रख सकता, किसका बच्चा हाथ उठा दो, इसलिए इन्होंने एक समय नारद और कृष्ण जा रहे थे, हठात उनको रोने की आवाज सुनाई दी। इतने में कृष्ण ने कहा नारद जी ये रोने का आवाज कहाँ से आ रहा है, बोले प्रभु आप तो घटघटवासी आप तो सब जानते हो हम लोग नरक को पास में आ गए। बोले नरक को पास में, बोले हाँ, बोले वहां क्या होता है, बोले जो जैसे कर्म करता है कर्म अनुरूप 84 नरक में उसको भोगना पड़ता है। बोले चलो हम जा करके देखते हैं। वहां पर जब गए जो जैसे जैसे कर्म की थी वो कर्म के अनुरूप फल भोग कर रही थी। जो इन्हीं आंखों में गंदी गंदी पिक्चर देखती थी, उल्टा पुल्टा गंदी गंदी अश्लील चित्र देखती थी, उनको आंखों को निकाल दिया जाता था। जो व्यक्ति शराब पीते थे लोहे गर्म करके उसको मुंह में डाल रहे थे। जो व्यक्ति हाथ में तराज में हेर फेर कर रहे थे उसको हाथ काट दिए। और जो व्यक्ति मांस मछली खा रहे थे, जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना कढ़ाई में गर्म तेल में, उसका पकौड़ा जैसे छोंक रहे थे उसको हैं। इसलिए आप पंचम स्कंध में पढ़ लेना, अलग अलग नरक का नाम भी अलग अलग नरक का नाम है। वहां पर इतने दुख कष्ट भोग कर रहे थे, चीख रहे थे बचाओ और नहीं करेंगे हमें उधार करो। इतने में भगवान नारद और कृष्ण वहां पर पहुंचे, पहुंच करके जब उन्हें झांक करके देखा इतने कष्ट जीव उठा रहे थे, और सबके सब जब भगवान कृष्ण को दर्शन की दर्शन मात्र से ही सबके सब उधार होकर के वैकुंठ चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सबके सब चले गए वैकुंठ चले गए। इतने में कृष्ण ने कहा नारद जी आज कौन सा व्रत है, बोले आज एकादशी व्रत है। बोले जाओ सर्वत्र तुम जाकर प्रचार करो, जो व्यक्ति एकादशी व्रत करेगा वो कभी नर्क नहीं आएगा। अभी सबके सब लोग एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया और सबके सब चलने लग गए वैकुंठ चलने लग गए। अभी जो पाप था वो बड़ा दुखी हो गया, वो ठाकुर जी को पास में आए, बोले ठाकुर जी मेरे को जान से खत्म कर दो। बोले क्यों, बोले सबके सब एकादशी व्रत करके, तुम्हारी एकादशी व्रत करके सबके सब वैकुंठ जा रहे हैं सबके सब, फिर मेरे को रहने का क्या जरूरत है, मेरे को स्थान दो नहीं तो मेरे को जान से मार दो। बोले देखो एकादशी का दिन जो अर्न भोजन करेगा तुम अर्न में ही आश्रय करके रहना, इसलिए एकादशी का दिन 5 तरह का रबी शस्य को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जैसे गेहूं से जितने जो कुछ बनती है, जो कुछ बनती है गेहूं से, और उसको बाद में जौ है, और उसको बाद में जितने तरह का दाल है, सरसों है, ये सब चीजों को एकादशी का दिन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जैसे नवरात्रि व्रत आती है ना, आप लोग सब व्रत रखते होंगे, इसलिए एकादशी का दिन कुट्टू आटा की पकौड़ा खा सकते हो, फ्रूट क्रीम फल दूध दही और ये सब चीज को आप खा सकते हो, लेकिन एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए।
इसलिए उन्होंने ये पाप को गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्मा हत्या, भ्रूण हत्या, ये सारे पाप एकादशी का दिन अर्न में आश्रय करते हुए रहते हैं। महाराज जी रबड़ी, रबड़ी रबड़ी तो खा सकते हो। इसलिए कहते एक राजा हुए हमारे भारत में, जिसका देखो एकादशी कथा सुनो, जिनका नाम हुआ रुक्मांगद महाराज। बड़ी भक्त है भगवान की और इतने बड़े कृष्ण भक्त थे, विष्णु भक्त थे, वो स्वयं एकादशी व्रत रखते थे और प्रजाओं को भी एकादशी व्रत रखा करते थे और बोलते थे देखो मेरे देश में जो एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसको राज्य से निकाल दिया जाएगा, नहीं तो मृत्युदंड है, हैं मृत्युदंड है। अभी सबके सब लोग एकादशी व्रत रखते थे, अभी ये पाप तो दुखी होकर ब्रह्मा के पास में गया, बोले मेरे को जान से खत्म कर दो, पता नहीं राजा कहाँ से आ गया, खुद एकादशी व्रत करके सबको एकादशी व्रत रखवाता है, बोले कोई चिंता मत करो मैं व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने एक मोहिनी नाम की एक लड़की को सृष्टि की, बोले बताओ मेरा क्या काम है, बोले तुम किसी तरह से शादी करके रुक्मांगद महाराज का घर में रानी बन करके जाओ और एकादशी व्रत को नष्ट कराओ। वो सचमुच से इतनी सुंदरी थी, उसका नाम ही मोहिनी, लगता था जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर करके आ गई। इतने में राजा एक दिन जंगल में घूमने गए थे, उनको प्यास लगा तो एक वामदेव नाम का ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने इनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, बोले महाराज आप अपना पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। बोले बताओ, बोले पूर्व जन्म में आप एक शूद्र थे, बदमाश दुष्ट थे, आपकी जो रानी वो वेश्या थी लेकिन देखने में बड़ी सुंदर थी, आप इसकी वेश्या की चक्कर में पड़ करके रहते थे, जो वो खाती थी आप खाते थे, वो चलती थी आप चलते थे, वो खड़ी होती थी आप भी खड़े होते थे। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था लेकिन आप दोनों को पता नहीं था आज एकादशी व्रत है। उसी दिन वो वेश्या को बड़ा तेजी बुखार आई, वो बड़ी दुखी हो गई, आप भी उसकी दुख में दुखी होकर के वो भी भोजन नहीं किए, आप भी भोजन नहीं किए और रात भर उसने छटपटाते रही, आप भी छटपटाते रहे दुखी होकर के, और दूसरे लास्ट रात में शरीर त्याग दी, आप भी भोजन नहीं किया, उसका विरह में आप भी शरीर त्याग दी, लेकिन अनजान में आपको ये एकादशी व्रत हो गया, निरंबु निर्जला एकादशी व्रत हो गया। एक एकादशी व्रत का इतना फल है, अभी देश का राजा आप, वही जो वेश्या थी रानी। बोले बाबा रे, एक एकादशी व्रत का इतना महिमा, राजा और रानी, उनको तो एकादशी व्रत में और भी निष्ठा हो गई। जब उन्होंने आगे गए फिर उन्होंने उसी शूद्रानी वो मोहिनी को देखे, वो बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी थी मोहिनी। बोले तुम्हारी नाम क्या है, बोले मेरा नाम मोहिनी है। बोले सचमुच से तुम मन मोहिनी हो, लगता है किसी पति को ढूंढ रहे हो। बोले हाँ, मैं जैसे सुंदरी ऐसे के सुंदर पुरुष को ढूंढ रहा हूँ। बोले देखो ये देश का मैं राजा हूँ, मेरे से शादी करोगी। बोले मैं करूँगी लेकिन ये एक शर्त है। बोले क्या शर्त है, बोले मैं जब जो कुछ जब बोलूंगी मेरा बात सुनना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, शादी करके घर में आए। राजा पहले भी शादी किया हुआ था, उनका एक बेटा था जिनका नाम था धर्मांगद, सचमुच से वो धर्म स्वरूप था। अभी जब फिर शादी करके आए, उन्होंने उनको स्वागत की, लेकिन वो रानी तो एकादशी व्रत नष्ट करने के लिए आई। ठीक एकादशी से कुछ दिन पहले उन्होंने ब्राह्मण को बुलाए, बोले देखो एक काम कर सकते हो। बोले बताओ, बोले किसी तरह से ये एकादशी व्रत को नष्ट करवा दो, फिर रत्नों से तुम्हारी झोली भर दूंगी। अभी ब्राह्मण लोग तो पैसा के लोभ से आ गए, बोले कोई चिंता मत करो। बोले राजा जब पूछेगा ना किसको किसको एकादशी व्रत करना, आप गीता रामायण की बात नहीं बताना। बोले कोई चिंता मत करो, जैसे कल एकादशी, एक दिन पहले दशमी, दशमी में हाथी को पीठ के ऊपर बैठ करके पूरा राज्य में ढिंडरा पिटवाया करते थे। बोले सावधान, कल एकादशी व्रत है, राजा का निर्देश, सबको एकादशी व्रत करना पड़ेगा, जो एकादशी व्रत नहीं करेगा राजा उसको देश निकाल देगा, नहीं तो मृत्युदंड देगा। इतने में रानी ने कहा महाराज ये ढिंडरा क्यों पिटवा रहे हैं। बोले रानी ऐसे ऐसे हमारी राज्य का नियम। बोले ये एकादशी एकादशी कहां से ले आए, ये सब कुसंस्कार कहां से ले आए, अगर कोई बुढ़ा बुढ़ी हो कर लिया तो कर लिया, ये सबके सब बच्चों को और जवानों को एकादशी व्रत क्यों उनकी शरीर खराब करवा रहे हो, कहीं शास्त्र में लिखा हुआ ना मनमानी बोल रहे हो। बोले शास्त्र में, मतलब दिखाओ कहां पर कौन सा शास्त्र में।
लेकिन ये राजा को पता ही नहीं, ये रानी पहले ब्राह्मणों को पट्टी पढ़ा करके रखा, ब्राह्मण को बुलाए ले आओ सारी गीता भागवत रामायण लेकर के आओ। जब उन्होंने सब शास्त्र लेकर के आए, ब्राह्मण तो झूठ मूठ का बात बोलने लग गए, बोले महाराज कोई जरूरत नहीं एकादशी व्रत रखने का, और जो बुढ़ा बुढ़ी हो गए विधवा हो गई अगर इच्छा हो तो कर ले, कोई जरूरत नहीं। राजा ने कहा भैया अभी तक तो तुम लोग बोलते थे भागवत में ये अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखे जिसमें दुर्वासा ऋषि भी उनको कुछ बिगाड़ नहीं पाया, एकादशी व्रत रखते थे सुदर्शन चक्र उन पर क्या करता था, दुर्वासा ऋषि को पीछे पड़ गया सुदर्शन चक्र, उनको ब्रह्म लोक शिव लोक वैकुंठ लोक भी भगा भगा कर ले गया, वैकुंठ में ठाकुर भी रख्या नहीं की, एकादशी जो व्रत रखते हैं ठाकुर का सुदर्शन चक्र उसे रख्या करता है। फिर जिसको नंद जसोदा स्वयं एकादशी व्रत रखते थे, देखना सबसे जो बड़ा एकादशी ये पांडवा निर्जला, कौन सा व्रत है सबसे जो बड़ी, कौन सा व्रत है ये पांडवा निर्जला, जिसको पंच पांडव द्रौपदी कुंती को साथ में जो व्रत रखते थे, ये रुक्मिणी सत्यभामा एकादशी व्रत रखती थी इसलिए कृष्ण उनको पति रूप में मिले। पहले तो पद्म पुराण अग्नि पुराण वायु पुराण से तुम कितने श्लोक बोलते थे एकादशी की इतनी महिमा है, कहते पृथ्वी में जितने व्रत हैं उसका एक पल्ले पर धर दो, एकादशी का व्रत का महिमा एक पल्ले पर धर दो, जो जिस तरफ एकादशी व्रत रखोगे उसका पल्ले भारी पड़ेगी। तुम तो इतना बोलती थी आज उल्ट गई कैसे, बोले हाँ ऐसे बात, बोले भैया नहीं हमारे देश में एकादशी व्रत रहेगा। मोहिनी बोली अगर मेरे बात नहीं सुनोगे मैं तो घर से जा रही हूँ, बोले जाना तो तू चले जा लेकिन एकादशी व्रत रहेगा। लेकिन उसको बेटा का नाम था धर्मांगद, वो धर्म स्वरूप है, तब उन्हें छोटी मैया के चरण में गिर पड़ी, बोले देख मैया हम तो एकादशी व्रत छोड़ ही नहीं सकते हैं, इसकी विनिमय में जो मांगोगे हम देने के लिए तैयारी। बोले दे सकते हो, बोले हाँ, बोले बताओ, बोले अगर तेरे पिता माता हंसते हंसते तेरे सर काट करके मेरे को दे दे फिर तो मैं रहूंगी। राजा बोली तू रानी ना पिशाची हो, एक ही बेटा जो सिंहासन में बैठने वाला, अरे बेटे को हंसते हंसते कोई पिता माता काट सकते हैं, बोले भैया तू जाना तो चले जा हमारे देश में एकादशी व्रत रहेगी। लेकिन धर्मांगद ने कहा देखो पिताजी ये शरीर आपसे ही मिला है, अगर ये शरीर से अगर आपकी सेवा होएगी इससे बड़ी बात कुछ हो सकता है, फिर एकादशी व्रत ठाकुर जी का बांके बिहारी का व्रत है, इस एक दिन तो मरना ही है, अगर पिता माता की सेवा करके ठाकुर जी की सेवा करते हुए अगर शरीर छोड़ेंगे इससे बढ़िया क्या हो सकते हैं। जब उन्होंने गला काटने के लिए गए साक्षात वैकुंठ से स्वयं भगवान नारायण स्वयं वैकुंठ से उतर करके आ गए, बोला श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी स्वयं उतर करके आ गए, बोले रुको रुको, बोले धर्मांगद मैं परीक्षा कर रहा था तुमने परीक्षा से उत्तीर्ण हो गया, ये व्रत मेरा ही व्रत है, मेरे व्रत के लिए अपना बेटा सबसे प्यारा होता है, लेकिन तुम अपना बेटे को भी तुमने तिलांजलि दे दिया, मैं प्रसन्न हूँ, वैकुंठ से रथ तैयारी बैठो और वैकुंठ चलो। बोले धर्मांगद तुम मेरे एकादशी व्रत के लिए तुम्हें अपना प्राण देने के लिए तैयारी हो गई, अभी तुम राजत्व करो तेरे लिए भी वैकुंठ से रथ आएगा, तुम भी वैकुंठ विजय करना। इतने में ये पाप ने बोला प्रभु, मोहिनी बोली मैं क्या करूंगी, मैंने इतना जो अधर्म किया मेरी कहां स्थान होगी। देखो कभी कभी एकादशी देखना दो आती है, कभी कभी एकादशी देखना कभी एक आती है, लेकिन जब कोई दो एकादशी आती है एक दशमी विधा प्लस दशमी युक्त जो एकादशी उसको नहीं करनी चाहिए, अगर वो एकादशी व्रत कोई करेगा उसका फल आपको नहीं मिलेगा, वो फल मोहिनी ले लेगी। एक आती है दशम युक्त एकादशी, दशमी युक्त अगर एकादशी करोगे द्वादशी युक्त एकादशी आती है, अगर दो एकादशी आए दूसरे दिन जो एकादशी वो एकादशी करने से उसका विशेष महिमा, उसको विशेष महिमा महिमा है। अभी पाप बोले मेरे को भी कहीं स्थान तो मैं कहाँ रहूंगा, बोले एकादशी का दिन जो व्यक्ति अन्न भोजन करेगा वो अन्न में ही तू आश्रय करोगे, इसलिए एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए, इसलिए एकादशी का दिन फल मूल खा करके दूसरे दिन हाँ दूसरे दिन टाइम के अनुरूप ये व्रत को खोलनी चाहिए। देखो व्रत खोलने का ये नियम है, व्रत खोलने का ये नियम है, अगर कोई साधु संतों को बा ठाकुर जी को कोई चीज दे करके
अगर आप व्रत खोलोगे ना उसका विशेष महिमा है। जैसे श्री दुर्वासा जब आए अम्बरीश महाराज के घर में खुश हो गए, आज संत आए हैं, संत को भजन करा के आज व्रत खोलूंगा। इसलिए आप लोग एक काम करना, हमारा मंदिर से बाबा लोग आते हैं ये खोड़े में, घर घर में जाते हैं, कुछ सीधा होता है, सीधा मतलब है एक थाली में जैसे थोड़ा आटा है, थोड़ा चावल है, हल्दी है, घी है, नमक, थोड़ा प्रसाद, उसमें थोड़ी सी सब्जी, जैसे एक संतों को भजन करने के लिए जाते हो, यहाँ से कुछ बहुत सारे भक्त लोग ये देते हैं। इसलिए हमारी मंदिर से दो तीन संत आते हैं खोड़े में, और हमारे यहाँ महेश्वर प्रभु है, माहेश्वरी प्रभु, वो घर घर में उनको ले जाते हैं। कहते जो ठाकुर को सेवा में हल्दी देगा, हमका फल क्या जानते हो, तुम्हारी घर में घोरे बच्चे जन्म ग्रहण करेंगे। जो उसमें मिर्ची देते हैं, घर का जो क्रोध घर में संता है वो क्रोध समाप्त हो जाती है। जो उसमें तेल घी देते हैं घर में, उसका दिया कभी जैसे नहीं बुझती है घर में, कभी उनका जो परंपरा कभी खत्म नहीं होती है, हर समय के लिए घर की दिया भी उजला रहती है। जैसे सुदामा जी ने कृष्ण को दो मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए हैं, इसलिए देने का बड़ा महत्व है, नियम है। घर का जो कमाई अगर थोड़ी बहुत संतों की सेवा में, ठाकुर को सेवा में लगेगा तो घर में धन दौलत आती है। देखना इस दुनिया में जो पैसा वाला होते जाता है, और जो गरीबी है ना वो गरीबी होते जाते, बोले क्यों, एक व्यक्ति पैसा वाला क्यों होता है, एक गरीबी क्यों होता है, इसलिए पैसा वाला होता है उसका फिक्स डिपॉजिट है, उसने कुछ पहले किया तभी तो उसको आएगा ना, अगर तुमने कुछ दोगे नहीं तुम्हारे घर में आएगी कहाँ से। इसलिए आप लोग अपना घर में थाली में सजा करके रख लेना, और कुछ कल संत लोग आएंगे, माहेश्वरी प्रभु ले जाएंगे, सबके घर में ले जाएंगे। आप लोगों को दो श्रद्धा है, थोड़ी थोड़ी संत सेवा में, भक्तों के सेवा में, ठाकुर के सेवा में कुछ कुछ देना। अगर जिसके घर में नहीं आ पाएंगे, जब कल शाम का आओगे फिर आप यही ले आया करना। और कितना समय व्रत खोलना है, व्रत का समय कितने बजे खोलने का, अंदर में 10 बजे को अंदर में। आज जो चीज आपने भोजन नहीं किया एकादशी का दिन, 10 बजे को अंदर में ठाकुर जी को भोग लगा करके, रोटी हो नहीं तो चावल हो, ठाकुर को भोग लगा करके उसको अंदर में मुंह में डाल दोगे तो तुम्हारी व्रत तुम्हारी खुल जाएगी। ठीक है, बोले श्री एकादशी व्रत की जय, बोले श्री एकादशी महारानी की जय, जय श्री राधे, बोले श्री रामायण भगवान की, कुछ बोलना चाहिए। ये कल आज एकादशी है ना, तो एकादशी में कल हमारे संत लोग आते हैं मंदिर से घर घर में, तो द्वादशी का जो प्रसाद होता है वो प्रसाद जैसे देते हैं थाली में या पन्नी में या किसी चीज में, खट्टा दाल चावल जैसे महाराज अभी बता रहे थे, तो जो देना चाहते हैं तो अभी प्रोग्राम के बाद में वहाँ पर गेट पे नाम लिखवा दें तो हम कल सुबह आपके घर पहुँच जाएंगे। कौन वहाँ नाम लिखा, कौन बैठे वहाँ पर, कौन बैठे वहाँ, दो लोग बैठे। ठीक है, आप उनका नाम देकर चले जाओगे ना, कल सवेरे आपको घर में आएंगे, हम आएंगे, अगर जो आपकी श्रद्धा में थोड़ा थोड़ा देना। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री भगवान बामन देव की जय। देखो अभी भगवान बामन आ रहे हैं, इसको बाद में फिर भगवान कन्हैया जन्म लेने वाले, आज सबके सब जन्मोत्सव पालन करते हुए जाना। ठीक है, हर देखो कल है गिरिराज पूजा है, कल क्या है जोर से बोलो, कल श्री गिरिराज की पूजा है, गिरिराज पूजा की हम कल ही करेंगे। गिरिराज पूजा की सबसे बड़ा महत्व है, जब ब्रजवासियों ने गिरिराज की भोग लगाए, स्वयं गिरिराज स्वयं आशीर्वाद दिए, आज मेरे सेवा में एक अन्न की दाना जिसने भोग में लगा दी, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी, उसको घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, ये गिरिराज गोवर्धन के आशीर्वाद है। इसलिए कल हम लोग श्री अन्नकूट महोत्सव करेंगे, इसलिए आप लोग अपना घर से जो बगैर प्याज लहसुन खाते हो, जैसे पूरी हो, हलवा हो, कढ़ी हो, चावल हो, बढ़िया सब्जी हो, कोई पकड़ा, जो बढ़िया से बढ़िया बनाते हो आप, कल थोड़ा बना करके लाना। अगर कोई चीज बना कर नहीं ला पाते हो, कोई मिठाई हो, कोई फल हो, उसको लेकर के आना, क्योंकि गिरिराज की सेवा में अगर जीवन में
एक बार कुछ लगाओगे जन्म जन्मांतर का तुम्हारी घर की जो समस्या अन्न और वस्त्र की समस्या खत्म हो जाएगी, और जो कुछ बना करके लाओगे उस पूजा के बाद भी आपको ही मिलेगा, ये प्रसाद आप लोगों को ही बटा दिया जाएगा। ठीक है, कल श्री गिरिराज पूजा की व्यवस्था हम लोग करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जयकार सही नहीं आ रही है, आज एकादशी है ना, गिरिराज की जितने जोर से जयकार हाथ ऊपर करेंगे सभी भक्त लोग। बोले गिरिराज महाराज की, बोले गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे। अरे बामन देव को ही कर रहे हो, बामन देव को तुम बुलाऊंगा, इसलिए देख लो कौन कौन गिरिराज गए हो, हाथ उठाओ तो गिरिराज कौन कौन गए। अरे जोर से हाथ उठाओ, इतना लोग ही गिरिराज गए। देखो गिरिराज का एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब है आप लोग जो गिरिराज गए होंगे देखे होंगे। इधर लाइट है, आप लोग गिरिराज में जो गए होंगे देखे होंगे, जो गिरिराज शिला के ऊपर में, इसका क्लियर कर, इसको क्लियर, इसलिए गिरिराज की शिला के ऊपर में देखोगे शिला रखा हुआ। बोले ऐसे क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए वो गिरिराज शिला के ऊपर में जितने शिला रख दोगे ना ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते। देखो आपको मैं सही घटना सुना रहा हूँ, ये बड़ौदा में हमारा मंदिर है, एक दिन एक भक्तों के घर में हम कीर्तन करने के लिए गए थे तो उसका छोटा सा घर था, लेकिन जब दूसरे साल उन्होंने हमें बुलाए देखा उसका तीन मंजिली, बहुत बड़ा तीन मंजिली मकान। मैंने कहा भैया एक साल में तुमने इतना कहाँ से पैसा कमाए, अगले साल भी आया था छोटी सी घर था, और एक साल में तुम्हारी ये तीन मंजिली मकान कैसे होगी? देखो क्या कहता है। बोले महाराज एक समय मैंने गिरिराज गया था और तीन शिला के ऊपर में तीन शिला रख करके आ गया। बोले ठाकुर जी मेरे को तीन मंजिली मकान दो। पता नहीं एक साल में मेरे बिजनेस में कहां से इतने लाभ हुई, इतने प्रॉफिट कहां से हुई, और एक साल में मैंने ये तीन मंजिली मकान को मैंने खड़े कर दिया है। इसलिए कहते जो गिरिराज है वो साधारण नहीं, ये स्वयं कृष्ण है। बोले गिरिराज कितने महिमा क्यों है? बोले सारा दुनिया तो बांके बिहारी जी की पूजा करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा की? गिरिराज को। सारा दुनिया बांके बिहारी को परिक्रमा लगाता है, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा लगाए? गिरिराज गोवर्धन को। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा, ठाकुर जी जिसको 7 दिन तक कनिष्ठ अंगुल पर धारण करते हैं, इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ठाकुर भी उसको पीछे 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 ठाकुर भी परिक्रमा करते हैं। इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये हमसे क्या मांगेगा? जो मांगेगा गिरिराज उसकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए कल गिरिराज की पूजा है, आप लोगों जो बढ़िया से बढ़िया बनाते हो, जो व्यक्ति जितने बढ़िया से बढ़िया बनाते हो गिरिराज के लिए सबके सब बना करके लेके आना। कल गिरिराज की भोग लगेगा, वो प्रसाद आप लोगों को ही ये प्रसाद मिलेगी। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। देखो जो जितने जोर से गिरिराज की जयकार देगा, गिरिराज की थोड़ी जयकार, उनको तो जय जयकार है ही है, जो जितने जोर से उनकी जयकार देगा उसको इतना पाप खत्म होगी। बोले गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे। अभी भगवान बामन देव आएंगे, देखो अभी खड़े रहो बुलाऊंगा तुमको। कहते ये देवता दैत्य में अक्सर करके लड़ाई होती थी, अगर देवता मरे तो मर जाए, दैत्य मरे इनका गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उनको जिंदा कर देता है। एक दिन देवता लोग ठाकुर जी के पास में गए, बोले हम कैसा अमरत्व को प्राप्त करेंगे? बोले ये समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा उसको पी करके अमर बनोगे। अभी ये समुद्र मंथन जब हुई सबसे पहले हलाहल विष निकली, ये जहर को कौन पान करेगा? श्री भोले बाबा को पास में गए, भोले बाबा ने टन के टन उन्होंने जहर को पान कर ली, लेकिन ये कहाँ रखा? बोले गले में। बोले हृदय में क्यों नहीं रखा? बोले हृदय में ठाकुर का निवास है, अगर मुंह में अगर जहर रखेंगे तो फिर अगर मुंह में गंदी चीज रखोगे लड़ाई झगड़ा होगी, इसलिए कहाँ रखे? गले में रख लिया। इसलिए शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। अभी दूसरा बार मंथन हुई, बड़े बड़े दिव्य दिव्य रत्न निकली, अलग अलग देवता ने ले ली। जब माँ लक्ष्मी निकली, भैया लक्ष्मी के लिए तो दुनिया पागल है ही है,
सबके सब लक्ष्मी के लिए लड़ाई किए। लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं, लाइन से खड़े हो जाओ, मैं अपना मन मर्जी पति को मैं चुनूंगी। लक्ष्मी सबको पास में गई, लेकिन सभी को अंदर में कुछ ना कुछ उन्होंने दोष देखा। लेकिन जब प्रभु नारायण को पास में आई, देखा अगर कोई सर्वगुण संपन्न है, ये ठाकुर सब नारायण है, फिर उनकी गला में माला डाल दी। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अभी मंथन की तो धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर निकला, अमृत के लिए तो लड़ाई कर मंथन कर रहे थे। अहम पूर्वम करते करते दैत्य ने अमृत छीन ली। भगवान ने देखा अगर ये दैत्य अमृत पान करेंगे तो अमृत तो हो जाएंगे, देश के लिए हानिकारक। ठाकुर जी मोहिनी अवतार ली, क्या सुंदर मोहिनी थी, क्या अपूर्व सुंदर। अभी मोहिनी को देख करके ना, वो जो लड़ाई कर रहे थे लड़ाई खत्म, सबके सब मोहिनी से बात करने के लिए पागल हो गए। बोले भैया तुम लोग है कौन? बोले हम लोग तो भाई भाई। बोले लड़ रहे हैं क्यों? बोले अमृत पीने के लिए। बोले मोहिनी अमृत पियेंगे तो तेरे हाथ से। बोले देखो मैं अनजान स्त्री को विश्वास नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं पियेंगे तो तेरे हाथ नहीं तो पियेंगे नहीं। बोले एक काम करो दोनों लाइन करके बैठ जाओ, पहले ये देवताओं को ऊपर ऊपर का पानी पानी पिला देता हूँ, और जो गाड़ी गाड़ी रह जाएगी ना फिर हम दोनों एकांत में बैठ करके पियेंगे। बोले मोहिनी अगर भले ही हमें अमृत नहीं मिले, अगर तू मिल गई तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। इतने में मोहिनी देवता को तो अमृत पिला रही थी, लेकिन दैत्यों को तरफ में थोड़ी सी टेढ़े से चितवन से देख रही थी और थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी मुस्कुरा रही थी। दैत्यों का तो अमृत तरफ में ध्यान ही नहीं, इनका तो ध्यान मोहिनी को प्रति मीठी मीठी मुस्कुराहट में। ऐसे करते करते उन्होंने सारे अमृत उन्होंने देवता को पिला दी, पिला करके अमृत कलश को फेंकी और वहीं से ही मोहिनी अंतर ध्यान हो गई। इतने में देवता दैत्य में घमासान युद्ध हुई। युद्ध होते होते देवता तो अमृत पी चुके थे, जैसे केले को पेड़ को काटते हैं ना, एक तरफ से काटना शुरू की। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है दैत्य वंश समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मा जी आ करके बचाए। बचा करके फिर शुक्राचार्य जी आए, अपना चेलो को उन्होंने संजीवनी मंत्र से फिर उन्होंने जिंदा कर दी संजीवनी मंत्र के द्वारा। इतने में बलि महाराज ने उन्होंने के यज्ञ किया, विश्वजीत महायज्ञ, जिस यज्ञ से एक सुंदर रथ निकला। वो रथ में बैठ करके कोई युद्ध करेगा तो उसको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने कही स्वर्ग में चढ़ाव की, मार मार करके सारे देवता को भगा दी और स्वर्ग राज्य को दखल कर ली। अभी देवता मरते जगत में मारे मारे भटक रहे। अभी देवताओं को जो माँ अदिति कश्यप जी को पास में गए, बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग राज्य कैसे मिलेगा? बोले एक काम करो कि पय व्रत के बोले 10 दिन का अगर इसको करोगे ना ठाकुर जी बामन बन करके आएंगे। फिर भगवान श्री बामन बन करके आते हैं। बोले श्री बामन भगवान की जय। अभी कश्यप ऋषि ने बामन भगवान के उपनयन संस्कार करवाए। नियम है गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। बृहस्पति ने कहा मेरे को छोटे मोटे चीज नहीं, मेरे को स्वर्ग राज्य को मांग करके ला दो। बोले कहाँ? ले जाओ नर्मदा नदी किनारा में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, उनसे स्वर्ग राज्य मांग करके लाओ। जब उन्होंने वहां पर पहुंचे बलि महाराज बोले मेरे जीवन तो धन्य हो गया है, क्यों इतने तेजस्वी इतने सुंदर ब्राह्मण, इतना तेरे को मैं दान दूंगा, कभी कहीं तुम्हें झोली पसारने का जरूरत नहीं। भगवान ने कहा देखो मैं ऐसे दान लेने वाले नहीं, पहले तुम संकल्प करो। जब संकल्प करने जा रहे थे शुक्राचार्य को पता चला तो भागते भागते आए। बोले बलि सावधान। बोले किस चीज की? बोले जानता हूँ ये कौन है। बोले कौन है? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना और सब कुछ लूट लिया, वही मोहिनी अब ये मोहन बन करके आया। देख ये तीन पग जमीन नहीं, ये त्रिभुवन को नाप लेगा। ऐसे दान को श्रेष्ठ नहीं मानी जाती जो सब कुछ दे दे, इसलिए भैया इसको देना नहीं। बलि महाराज बोले मेरे दोनों हाथ में ही लड्डू है, क्योंकि एक तो ठाकुर जी, फिर ठाकुर जी मांगने के लिए मेरे पास में, ऐसे सौभाग्य किसको होगा जो विश्व ब्रह्मांड जिनकी, उनको कोई दान दे, मैं तो जरूर दान दूंगा। लेकिन गुरु जी ने कहा मैं तेरा गुरु जी, मेरे बात नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले अगर मेरे बात नहीं मानोगे तो तुम्हें अभिशाप देता हूँ, तू श्री भ्रष्ट हो जाएगा।
मतलब अयम वस्तु, लेकिन मैं भगवान को दान दूंगा। देखो ध्यान देकर सुनो, नियम है गुरु को त्याग नहीं देनी चाहिए, गुरु त्याग देना पाप है, गुरु त्याग देनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर बलि महाराज गुरु को त्याग दिया। बोले क्यों त्याग दी गुरु को? देखो शास्त्र में जैसे बताया गुरु त्याग नहीं देनी चाहिए, शास्त्र में गुरु त्याग देने के लिए बताया। देखो ये पद्म पुराण का श्लोक है, कहते अवैष्णव उपदेष्टन मंत्रेण निरयम ब्रजेत पुनश्चः विधिनाम श्रामाग्र ग्राह्यात वैष्णवात गुरु। यहाँ पर कह रहे हैं जब गुरु करो, अगर गुरु जी कहीं पतन हो गए, गुरु जी कहीं गिर गए असत संग में, भक्ति राज्य से चुत्तो हो गए, भक्ति से फलो नहीं करते हैं, कोई असत संग में गिर गए, तो अगर हम फिर गुरु ग्रहण करते हैं उसमें दोष नहीं। दूसरा कारण बताए, अगर गुरु जी वैष्णव नहीं, इसलिए शास्त्र में चार वैष्णव संप्रदाय बताया, श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय है। देखो ये श्लोक है, कहते हैं संप्रदाय बिना जे मंत्रा स्तेह विपला मता, ये पद्म पुराण का श्लोक। अगर वैष्णव संप्रदाय से कोई विहीन मंत्र लेते हैं कहते उसको नरक होगा, ऊपर नहीं नीचे जाएगा। इसलिए नियम है, भगवान कहते हैं ये चार वैष्णव संप्रदाय से कोई एक वैष्णव संप्रदाय से ही मंत्र ग्रहण करनी चाहिए, तभी वो मंत्र भगवत प्राप्त कराएगा। ये जो चार वैष्णव संप्रदाय में जो मंत्र है वो भगवान कृष्ण का मंत्र, जैसे श्री रामानुज संप्रदाय है उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण का मंत्र है, जैसे ब्रह्म माधव संप्रदाय में हमें जिसमें राधा कृष्ण की मंत्र है, एक श्री विष्णु स्वामी जिसमें लड्डू गोपाल की जिसमें मंत्र, एक निम्बार्क संप्रदाय जिसमें राधा कृष्ण की भक्ति की जाती है। इसलिए चार ही वैष्णव संप्रदाय है, ये चार वैष्णव संप्रदाय में आप लोग उनका जो तिलक कंठी माला ठाकुर को सेवा पूजा जो विधिवत है वो विधिवत ही ठाकुर की सेवा पूजा भक्ति करने को मिलेगा। अगर ये वैष्णव संप्रदाय से अगर गुरु नहीं हो, शास्त्र कहता है हम उनको प्रणाम करते हुए किसी शुद्ध वैष्णव को हम गुरु ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री बलि महाराज ने गुरु को त्याग दी। फिर जब जा रहे थे संकल्प करने के लिए, फिर कीड़े बन करके बैठ गए और कुश में छेद किया तो एक आंख चली गई। यहाँ सिखा देते हैं अगर धर्म कर्म में काम में कभी टांग मत अड़ाओ। इसलिए भागवत धर्म भक्ति मार्ग में कहते ना, अगर किसकी भलाई नहीं कर सकते हो कभी किसकी बुराई भी मत करो। तुम्हारे अंदर में जितने समर्थ करो, लेकिन कभी भी सदमार्ग में प्रभु की भक्ति मार्ग में कभी टांग नहीं लड़ानी चाहिए, नहीं तो फिर काना बनना पड़ेगा हैं। फिर तो शुक्राचार्य भाग गए, फिर उन्होंने संकल्प किए एक पग में, तो उन्होंने भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक तक ले लिया। जब उनका चरण जब विराज नदी को ब्रह्मांड को भेद करते हुए पहुंचा, तब इतने में भगवान श्री ब्रह्मा जी उनकी चरण को अभिषेक करते हुए कमंडल में जो पानी रखे वही पतित पावन श्री गंगा बनी है। बोले श्री गंगा देवी की जय। दूसरे चरण में अतल बिताल तलातल पाताल तक चला गया। बोले बताओ तीसरे चरण कहाँ रखे? बोले बड़े डी कहाँ कर रहा था, इतने दान दूंगा कहीं जाने का जरूरत नहीं, बताओ कहाँ तीसरे चरण रखे। इतने में गरुड़ को बुला करके उन्होंने बांध दिए। लेकिन उनका जो पत्नी ना विद्यावली बड़ी अच्छी भक्तिमान थी, इतने में उनकी पत्नी ने कहा आप भगवान को क्या दिया, विश्व ब्रह्मांड तो ठाकुर जी का, ठाकुर अपना दुनिया को ले लिया, आपने क्या दिया जब तक खुद को नहीं देते हो, बोलो ना अपना सर पर रखे। इतने खुश हो गए बलि महाराज, देखो ध्यान देकर सुनो, इतने खुश हो गई, बोले तेरी जैसे पत्नी होनी चाहिए। देखो पत्नी दो तरह के हैं, कितने तरह के हैं, एक धन पत्नी और एक धर्म पत्नी। बोले धन पत्नी किसको कहते हैं? बोले जब तक धन रहे तब तक तो रहे, और जब धन खत्म हो जाए ना पति को भाग कर छोड़ जाए। कि धर्म पत्नी कौन है? बोले सुख दुख में कंधे लगा करके पति को साथ में हर समय अपना धर्म को निभाते हुए पति को साथ में जो साथ दे, ये धर्म पत्नी है, हैं? इसलिए खुश हो गए। बोले सचमुच से तुम्हारी जैसे पत्नी होनी चाहिए, मैं तो सोच में पड़ गया था ठाकुर को क्या दूं।
इतने में बलि महाराज ने बोले बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा, बोले दानी बड़ा, बोले आप तो दान लिए अभी दानी स्वयं बाकी, बोले बताओ कहाँ पर रखे, बोले मेरे सर के ऊपर रखो, जब उनके सर के ऊपर चरण रखे स्वर्ग से देवता लोग प्रसन्न होकर के पारिजात पुष्प की बौछार की, बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री बामन भगवान की जय, जय श्री राधे। भगवान संतुष्ट होकर के सुतल लोक में उनको स्थान दे दिए, बोले बाद में फिर इंद्र पद को तुम फिर प्राप्त करोगे। भैया बामन भगवान के लेकर के आ जाओ, देखो अभी भगवान बामन देव आज आपको पास में भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। ठाकुर को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है, जैसे सुदामा ने दो मुठ्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए, इसलिए भगवान आपको पास में जाएंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा भगवान बामन देव को कुछ ना कुछ भिक्षा देना। जी राम प्रभु बोलिए बामन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कि तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेनु नजर नहीं लग जावे, तेनु नजर नहीं लग जावे मेरी शान। Thank you.